પહેલું થયું મન કોટી કલ્પનું મેલું થયું મન એક પલક માધો વદને કમળ જોયું શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। श्री वल्लभादी श्री श्री जय शिवनाथ लाल प्यारे की जय श्री वल्लभ कुल परिवार की जय। કમળ સમીબે આંખડી માંથી કમળ સમીબે આંખડી માંથી રૂપ સુધારસ ધોરું શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું। श्री गोवर्धननाथ की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री भागवत भगवान की जय परम पूज्य आचार्यवर श्री यदुनाथ जी महोदय श्री की जय। निवेदन करते हैं भागवत भगवान की पूजा करने के लिए पधारे। मुख्य मनोरथी परिवार श्रीमान मनोज भाई शाह निशाबेन शाह सन्मुख भाई शाह पारुलबेन कृपया यहाँ पधारे एवं पोथी पूजन के लिए सह मनोरथी परिवार श्री अशोक जी मुंद्रा श्रीमती रेखा अशोक जी मुंद्रा श्री विनीत मुंद्रा एवं श्रीमती शेया विनीत मुंद्रा कृपया यहाँ पधारे। कृपया मनोरथी परिवार जल्दी पधारे। बोलिए श्री वांगमय स्वरूपाय बाल कृष्णाय श्री भागवत भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वृक्षस्थले कौसभं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं
सर्वांगे हरिचंदनम सुललित कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हरि ओम गंधद्वारं दुराधर्षः नित्यपुष्टाकर्षिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहर्ष्यं। ओम माल्यांदिनी सुगंधिनी माल्यांदिनी वै प्रभो मया हतानि पूजानि पुष्पाणि ग्रहणम् अक्षताश्च समर्पयामिहिं। ओम भागवद्देवताभ्यो नमो नमः भावान पूर्वक नमस्कारं समर्पयामिहिं। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपेत्रनेत्रं येन त्वया भारत तेल पुण्यं प्रज्वालयो ज्ञानमयं प्रदीपम्। शिवल्लभादीश की जय। स्वस्ति ना इंद्रो वृधर्षवाः स्वस्ति ना पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम तत्सम यो रावणी महेम गातुम यज्ञायम गातुम यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नम सुमाब्जिकेतुम वेगजंड सन्नो अस्तु। द्विपदेशम चतुष्पदे ओम शांतिर 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 भवतु। आरती श्रीनाथ जी आरती श्रीनाथ जी मंगला करी प्रभु मंगला करी। आरती श्रीनाथ जी मंगला करी शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या उतावल करी प्रभु उतावल करी। आरती श्रीनाथ जी वस्त्र अंगीकार कर्या वस्त्र अंगीकार कर्या जारी जीव हरि प्रभु जारी जीव हरि। आरती श्रीनाथ जिनी मंगला करी निरखता मुखारवी निरखता मुखारवी शोषणा टली प्रभु शोषणा टली। आरती श्रीनाथ जिनी
तालने मृदंग वागे, तालने मृदंग वागे, वैणो वासड़ी वागे, वैणो वासड़ी। आरती श्रीनाथ जिनी मंगला करी। दस जानी ने दर्शन देजु, दस जानी ने दर्शन देजु, दया तो करी प्रभु कृपा तो करी। आरती श्रीनाथ जी मंगला करी, प्रभु आरती श्रीनाथ जी मंगला करी, प्रभु आरती श्रीनाथ जी मंगला करी। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तुं प्रदक्षिणां पदं पदेहिं। ॐ देवाभिवन्दनं महः पुष्पाञ्जलिं। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासनहं तेहि नाकं महिमानं सतन्त्रत पूर्वेशाद्याशन्ति देवः। बोल्य श्री भागवत भगवान की जय। आचार्य पीठ पर विराजमान श्री वल्लभ कुल शिरोमणि वैष्णवाचार्य परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री के पूज्य चरण में यहाँ पधारे हुए सर्व भक्त जन का, वैष्णवगण का प्रणाम एवं दंडवत स्वीकार करें। यहाँ विराजमान महोदया बहुजी महोदया श्री श्री प्रथमेश पाल लालन जी एवं बेटी जी को प्रणाम। यह 84 क्रॉस ब्रजमंडल कथा को रसमय और संगीतमय बनाने हेतु से पधारे संगीतज्ञ गायक श्री रसेश भाई शाह, गायक श्री मनीष भाई जोशी, तबला वादक श्री गौतम भाई कंसारा, वायलिन वादक श्री जगदीश भाई नायक एवं कीबोर्ड वादक श्री दिवेश भाई काशीनाथ सत्संग ट्रस्ट स्वागत करता है। हम माल्यार्पण के लिए मनोरथी का यहाँ जिस प्रकार से नाम अनाउंस होता है, कृपया यहाँ पधारे। श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री किशोरी लाल जी बिसानी एवं श्रीमती राम कुंवर बिसानी, कृपया यहाँ पधारे। हाँ जी, मैं नाम यहाँ से बोलता रहूँगा, कृपया आप रेडी रहे। उसके बाद पधारेंगे श्रीमान परेश भाई इंसा, जयश्री बहन इंसा, श्रीमान अशोक जी मुंद्रा, श्रीमती अशोक जी मुंद्रा। बाद में पधारेंगे यहाँ श्री सत्यनारायण जी एवं श्रीमती श्रीलता जी। अन्नकूट के मनोरथी कल शाम को जो अन्नानगर हवेली में अन्नकूट का महोत्सव था, उनके मनोरथी श्री जयसी बहन नांदोला, श्री मनोज भाई नांदोला एवं फुलगर सेवा मंडली के प्रतिनिधि शांतिबेन मोहता, कृपा यहाँ पधारे। शिवल्लभादीश की जय। वल्लभादीश की जय। कौन कहता है अमीर होने में मजा है। शिवल्लभादीश की जय। कौन कहता है अमीर होने में मजा है,
अगर श्याम मिल जाए ना तो सुदामा होने में मजा है, अगर श्याम मिल जाए तो सुदामा होने में मजा है। हम आप सब की ओर से आचार्य महोदय जी से विनंती करते हैं, 24 कोस ब्रजमंडल कथा अमृत के लिए हमारी विनंती स्वीकारे, हमारी सब ऊपर कृपा करे। दंडवत प्रणाम। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजेण श्रियानान्तानिजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहु यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशयनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाहि सेव्यमानं करायेहं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम श्रीगोवर्धननाथ पार्वती युगे
नित्यं श्री मधुराधिपं सुखकरं श्री विठले शम्मोदा श्रीमद् द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुले वल्लभाधीश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। दो मिनट के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करके और फिर अपनी सत्संग यात्रा में प्रवेश करेंगे। इको बंद कर दो बिल्कुल। श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी 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 जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ जय यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठल नाथ जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की
जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री वल्लभ जी थल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ जी थल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। विराजमान चिरायुष्मान, नो इफेक्ट, नो चिरायुष्मान प्रथमेश कुमार जी महोदय श्री, विराजमान आदरणीय भूदेव वृंद, श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस दिव्य पंच दिवसीय 84 कोस व्रजयात्रा रसपान के अंदर उपस्थित श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट के सभी कमेटी मेंबर्स, इस दिव्य स्थान डीजी वैष्णव कॉलेज के सभी पदाधिकारीगण, अशोक जी एवं सभी पदाधिकारीगण, एवं इस दिव्य उत्सव के अंदर प्रभु ने अपनी कृपा कलश ढोल के जिनको निमित्त बनाया, और इस आयोजन के अंदर जो कृपार्थी बने, ऐसे प्रभु के सभी कृपार्थी, मनोरथी नहीं कहता मैं, कृपार्थी कहता हूं। मन में मनोरथ तो सब करें, पर जिनके ऊपर प्रभु की कृपा का कलश ढुले वो ऐसे उत्सव में जुड़े, तो ऐसे कृपार्थी इस उत्सव के मुख्य मनोरथी, ऐसे परम भगवदीय मनोज भाई, परेश भाई, सन्मुख भाई शाह एवं उनका समस्त परिवार, सह मुख्य मनोरथी ऐसे श्री अशोक मुंद्रा जी, उनका समस्त परिवार, श्रीमती श्री विनीत कुमार, समस्त उनका परिवार, चुंदरी मनोरथ के मनोरथी श्रीमती श्रीलता सत्यनारायण जी भूतला, उनका समस्त परिवार, उसी प्रकार व्रज कमल के मनोरथी श्रीमती मधुरिका संजीव वकील, उनका समस्त परिवार, विवाह खेल के मनोरथी श्रीमती कृष्णा कृष्ण कुमार जी महेश्वरी, उनका समस्त परिवार, नंद महोत्सव के मनोरथी श्री प्रवीण कुमार जी महेश्वरी, उनका समस्त परिवार, छप्पन भोग के मनोरथी श्री रामचंद्र जी शारदा, श्री बंशीधर जी शारदा, उनका समस्त परिवार, प्रसाद सेवा के लाभार्थी श्री रमनलाल जी, श्री गिरिराज जी, भरत जी जेठा, उनका समस्त परिवार, एवं श्री निशांत भाई, हर्षुख भाई दोषी, उनका समस्त परिवार, अन्नकूट के मनोरथी श्रीमती जयाबेन नांदोला, उनका समस्त परिवार, एवं इस उत्सव में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े सभी आत्मीजन, एवं इस 84 कोस व्रज यात्रा का रसपान करने आए, दर्शन करने आए मेरे सभी आत्मीजनों, अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है कि आज से 5 दिन की 84 कोस की व्रज यात्रा में हमको परिभ्रमण करना है, और देखो अधिक मास चल रहा है, अनेक अनेक यात्राएं इस समय ब्रज के अंदर हो रही है, और कभी न कभी
कोई न कोई वैष्णव के मन में ये मनोरथ तो जगता है कि मुझे भी 84 कोस की परिक्रमा एक बार तो करनी है। पर कई बार समय अनुकूल ना आवे, कई बार सामर्थ्य अनुकूल ना आवे, कोई बार व्यवस्थाएं ना बैठे, लेकिन ये तो पुष्टि मार्ग है। और पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं कि जहां जीव के मन में मनोरथ जागे तो उसे मनोरथ पूरा नहीं करना पड़ता, स्वयं प्रभु उसका मनोरथ पूरा कराने के लिए आ जाते हैं। और ऐसे चेन्नई के कई वैष्णव के मन में इच्छा जगी होगी कि हमको भी ब्रज यात्रा करनी है, पर किसी न किसी कारणवश जा नहीं सकते। तो देखो ये हमारे श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों ने ऐसा मनोरथ किया, ये सभी मनोरथ ही ऐसे निमित्त बने कि यदि यहाँ के वैष्णव व्रज में नहीं जा सकते तो 5 दिन के लिए पूरे व्रज को यहां चेन्नई में लेके आ गए। और 5 दिन में निश्चित मानना यहां बैठे हुए प्रत्येक वैष्णव जो ये 5 दिन यहां पूरी हाजिरी धरेंगे और पूरा ये श्रवण करेंगे, तो निश्चित मानना 40 दिन की जो 84 कोस की परिक्रमा करने अपन जाते हैं वही फल यहां बैठे वैष्णव को ये 5 दिन में प्राप्त होगा। और 5 दिन जिसने यहां उपस्थिति दर्ज कराई, 5 दिन जो यहां उपस्थित रहे और फिर आपसे कोई पूछे कि क्या आपने भी 84 कोस की लीली परिक्रमा करी है, तो आप बेधड़क कह सकते हो हाँ करी है और पूरी परिक्रमा करी है। और वही फल यहां बैठे हुए वैष्णव को प्राप्त करने के लिए। और देखो तो सही, स्थान भी अपन ने सुबह चर्चा करी थी इस गुणगान के लिए मिला, तो कौन सा मिला, बोले वैष्णव कॉलेज, डीजी वैष्णव कॉलेज। और वैष्णव कौन है, देखो मुझे तो ये नाम बड़ा अच्छा लगता है। चेन्नई में जब जब भी यहाँ चेन्नई में कथा कहता हूं तो एक बात का उल्लेख जरूर करता हूं, प्रभु किसको मिले जिसको उनके बिना चैन नहीं। चेन्नई यानी क्या, चेन्नई यानी क्या, चेन्नई यानी ऐसे जीव कि जिनको कृष्ण के बिना चैन नहीं, और जिनको कृष्ण के बिना चैन नहीं तो कृष्ण को उनके बिना चैन नहीं। जीवन के हरेक कार्य करते करते, जीवन की हरेक आपाधापी में रहते हुए यदि हमें कृष्ण के बिना चैन नहीं, उसी को तो वैष्णव कहते हैं। वैष्णव वही है कि जिसको कृष्ण के बिना कभी चैन नहीं आता, वैष्णव वही है कि जो कृष्ण के बिना बेचैन रहता है, ये वैष्णव वही है जो प्रभु की लीलाओं का श्रवण करे बिना जिनको चैन नहीं। और जिनको चैन नहीं उन्हीं के लिए तो ये कथा है, जिनको कृष्ण के बिना चैन नहीं उन्हीं के लिए तो ये उनके गुणगान है। और मैं तो हमेशा कहता हूं देखो कॉलेज भी ये वैष्णव कॉलेज है, और मुझे तो लगता है कि हमारे श्रीनाथ सत्संग समिति ने, श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट ने ये निश्चय किया है कि 5 दिनों के लिए सभी चेन्नई वासियों को व्रजवासी बना देना है। और 5 दिन आपको यदि कोई फोन आवे कि आप कहाँ के हो तो कह देना हम ब्रज के हैं। ये 5 दिनों के अंदर यदि कोई फोन करके पूछे कि कहाँ हो तो क्या कहोगे, किसी का भी फोन आवे भले चेन्नई में हो, लेकिन 5 दिन तक निश्चय मानना यदि किसी का भी फोन आवे कोई भी बात करके पूछे कि कहाँ हो तो कह देना ब्रज में है। और यदि एक बार मुख से निकल गया कि ब्रज में हो तो मान लेना आप ब्रज में हो, और वही ब्रज की लीलाओं का अनुसंधान ये 5 दिन तक हमें यहां पे करना है। और कहते हैं ना ये कॉलेज भी वैष्णव कॉलेज है, और कहते हैं कि चेन्नई वासी हैं तो ये चेन्नई वासी ब्रजवासी कब बने। 5 दिन तक हमें वही करना है, सिर्फ 5 दिन तक ब्रज की लीलाओं का श्रवण किया, ब्रज की लीलाओं का चिंतन किया, ब्रज यात्रा करी, और 5 दिन पूरे हो गए तो फिर 5 दिन के बाद फिर से चेन्नई वासी हो जाना है कि ब्रजवासी होके रहना है। ये 5 दिन क्या है, हमारी अवस्था को अपलिफ्ट करना है, हमारी अवस्था को अपग्रेड करना है, और चेन्नई वासी से ब्रजवासी बन जाना है। कहते हैं ब्रजवासी कौन है, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि
कहते हैं वजवासी कौन है कि जब जीवन के अंदर ये 5 दिन की कथा सुनने के बाद जब जीवन में कैसी भी विकट परिस्थिति आवे, जीवन में अनेक अनेक संकटे भी क्यों ना आवे, लेकिन उसी समय भी ये भरोसा रहना चाहिए कि मैं अकेला नहीं, ये 5 दिन की कथा सुनने के बाद मेरे श्री गोवर्धन नाथ मेरे साथ हैं, तो मानो आप ब्रजवासी हो गए। जीवन में चाहे कितने भी अकेले हो जाओ, जीवन में चाहे किसी का भी साथ न मिले, जीवन में ऐसी घड़ी आ जावे कि कोई संग खड़ा रहने को भी न हो, और उस समय भी कथा सुनने के बाद जब ये भरोसा आवे कि मैं अकेला नहीं, मेरे ब्रजभक्त मेरे साथ हैं, मेरे श्री यमुना जी मेरे साथ हैं, मेरे श्री गिरिराज बाबा मेरे साथ हैं, तो मानो अब आप ब्रजवासी हो गए हो। ब्रजवासी हो गए कब कहा जाए? कहते हैं कि जब भौतिक प्रसंग में हो तो समय बीते ही ना, लगे कि कब समय पूरा हो, कब समय पूरा हो, और जब भगवत सत्संग में हो तो ये विचार आवे कि ये समय कभी पूरा ही न हो, तब मानो कि आप ब्रजवासी हो गए। जब आप कहीं जा रहे हो, रस्ते में गाय दिखे और गाय दिखते ही आपको गोकुल की याद आ जावे, तो मानो आप ब्रजवासी हो। कहते हैं कि भौतिक शोर शराबे के संगीत को सुन के वो चैन न पड़े, लेकिन जब अष्ट सखा की वाणी सुने और लगे कि किसी ने अपनी बात करी, तो मानो कि तुम ब्रजवासी हो। और कहते हैं कि कोई सोने चांदी के बर्तनों में आपको भोजन करावे तो भी वो सुख न मिले कि जो सुख महाप्रसाद की पातल लेके मिले, तो मानना आप ब्रजवासी हो गए हो। और ये वज का सुख, ये ब्रजवासी होने का सुख हमें इन दिनों में प्राप्त करना है। और देखो अपने वहां कहते हैं कि ये यात्रा भी जो जो मनोरथी बने हैं ना, तो मुझे आनंद इस बात का है कि इसी बहाने पूरा परिवार यहां पे आएंगे, पूरे परिवार यहां पे आएंगे। मैं कहीं अभी बीच में कोई कह रहा था, कहीं बात ही चल रही थी, किसी ने मुझसे पूछा कि आप कथा में विराज रहे हो और पीछे इतना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, वो किया हुआ है, तो मैंने उनसे यही कहा कि आपको डेकोरेशन दिखता है, मुझे आप दिखते हो। तो आपके लिए चाहे डेकोरेशन कितना भी सुंदर कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे सबसे अच्छा डेकोरेशन कब लगे सामने, कि जब पूरा परिवार सामने बैठ के भगवत कथा सुन रहा हो, तो मुझे लगे आज का डेकोरेशन बड़ा सुंदर है। पूरा परिवार बैठ के जब भगवत गुणगान सुन रहा हो, और इसलिए अपने वहां विचारकों ने भी कहा है, नीति शास्त्रकारों ने भी कहा है कि यदि आनंद का जीवन जीना है तो इतनी वस्तु परिवार को संग करनी चाहिए। कितनी वस्तु? तो कहा सबसे पहले भोजन, दूसरा भ्रमण और तीसरा भजन। कितनी वस्तु कही मैंने? कौन कौन सी? भोजन, भ्रमण और भजन। यदि जीवन में और परिवार में आनंद रखना है, परिवार के अंदर सदा आनंद रहे और परिवार जनों के अंदर सदा प्रेम रहे, ये चाहते हो, तो सबसे पहले ये 3 चीज संग में करनी चाहिए। पहले कहा भोजन। भोजन यानी भले आप कितने भी व्यस्त हो, रोज न हो सके तो हफ्ते में एक दिन तो ऐसे रखना चाहिए कि पूरा परिवार संग बैठ के साथ में भोजन करे। ये जरूर हर एक परिवार के अंदर रोज करें तो सबसे उत्तम है, लेकिन रोज न हो तो हफ्ते के अंदर एक दिन तो ऐसा रखें कि परिवार के बालके वालके कोई भी क्यों ना हो, निश्चित होना चाहिए कि ये दिन है, ये दिन के अंदर हम सब संग बैठ के भगवान करेंगे। दूसरा कहा भ्रमण। क्या कहा जरा बोलना? और भ्रमण यानी जहां आज अपन निकलने वाले हैं, वर्ष में एक या दो ऐसी यात्राएं हो या कहीं पे भी बाहर जाना हो कि जहां आप अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दे सको, ऐसा भ्रमण यानी बाहर जाना, प्रवास कहो के बाहर जो भी कुछ यात्रा कहो आप, वो करना बहुत जरूरी। और तीसरी वस्तु क्या कही? भजन, जो आप यहां पे कर रहे हो। तो ये 3 वस्तु यदि जीवन में होंगी
तो ये तीन वस्तु के अंदर मानो जीवन को सुंदर बनाने की औषधि आपको मिल जाएगी। और ये पांच दिन आप देखो ये तीनों वस्तु करने वालों के निसंग आके ना तो बोलो, घर से यहां तक आए संग में वो क्या हो गया, हाँ ब्राह्मण, यहां बैठ के कर रहे हो वो क्या हो गया, और यहां के बाद जो करोगे वो बहुत बढ़िया। तीनों वस्तु एक संग यहां पांच दिन तक आप करने वाले। और देखो जब जब भी भगवत सत्संग अपन करते हैं, भगवत यात्रा में अपन जाते हैं, तो अपने वहां आचार्यों ने कह दिया है कि इतनी वस्तुओं में कोई भेद नहीं, भगवत नाम, भगवत स्वरूप, भगवत लीला और भगवत धाम। कितनी वस्तुओं कही मैंने, भगवत नाम, भगवत स्वरूप, भगवत लीला और भगवत धाम, इनमें कोई भेद नहीं है। जो कार्य भगवत नाम करता है वही कार्य भगवत स्वरूप भी करता है, और भगवत स्वरूप के दर्शन से जो कार्य होता है वही कार्य भगवत लीला के चिंतन से भी हो सकता है, और भगवत दर्शन से जो लाभ मिले वही लाभ भगवत धाम के चिंतन से भी मिलता है। क्योंकि भगवत नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों में कोई भेद नहीं है। जो कृपा प्रभु अपने नाम से करें वही कृपा प्रभु अपने स्वरूप से भी करते हैं, और जो कृपा प्रभु अपने स्वरूप से करें वही अपनी लीला से और वही अपने धाम से भी कर सकते हैं। और देखो ये भगवत धाम यानी कहां जाना है अपन को, बोले ब्रज। और ये ब्रज क्या है, जिसके लिए गोपियां भी कहती है ने गोपी गीत में, जयति तेधिकम् जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। जयति तेधिकम् जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। गोपियां गोपी गीत में भगवान से कहती हैं कि प्रभु जब से आपका प्रागट्य ब्रज में हुआ तब से प्रभु ब्रज का जय हो गया। भगवान ने कहा गोपियों तुम कह रही हो कि जब से मेरा प्रागट्य ब्रज में हुआ तब से ब्रज का जय हुआ, तो गोपियों ये बताओ हार किसकी हुई। जब तक कोई हारे ना तब तक कोई जीत सकता है क्या, हाँ के ना तो बोलो। जब अपन कहते हैं कि ये जीत के आया, जीता तब कि जब कोई ना कोई हारा होगा तब, तो कहते हो कहते हैं गोपियां कि यदि तुम कह रही हो कि मेरे प्रागट्य से ब्रज का जय हुआ तो इसमें हार किसकी हुई, तो गोपियां कहती हैं प्रभु आपके वैकुंठ की हार हुई। प्रभु ने कहा क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे ब्रज में ऐसा क्या है कि जो मेरे वैकुंठ में नहीं है। तब गोपियां कहती प्रभु जानते हो ये ब्रज क्या है, बोले क्या है, देखो प्रभु जब आपका प्रागट्य नहीं हुआ तब ये हमारा ब्रज तो साधारण गांव था, और आप कौन हो, बोले ब्रह्म, और जब ब्रह्म हमारे गांव में अवतरित हुए तो प्रभु हमारे गांव की रज का संबंध आपके चरणों के रज से हुआ, और ये रज साधारण रज न रह के ये रज कौन सी बन गई, बोले ब्रह्म रज। कौन सी, क्योंकि ब्रह्म के चरण पधारे और ब्रह्म के चरणों का स्पर्श जिसने पाया तो वो रज साधारण रज न रह के वो हो गई ब्रह्म रज, और ब्रह्म रज बनी तो ब्रह्म का ब्र और रज का ज करके नाम हो गया ब्रज। ब्रह्म का ब्र और रज का ज करके नाम हुआ ब्रज। और कहते हैं प्रभु आप जानते हो कि हमारे ब्रज के पास वो है जो आपके वैकुंठ में कभी नहीं हो सकता। भगवान ने कहा ऐसा तुम्हारे ब्रज के पास क्या है जो मेरे वैकुंठ में कभी ना हो सके। तब गोपियों ने कहा प्रभु जानते हो ब्रज किसको कहते हैं, बोले किसको कहते हैं। तब गोपियों ने कहा प्रभु ब्रज उसी को कहते हैं कि जहां प्रभु के चरणों में रेणु, जहां प्रभु के मुख में वेणु और जहां आगे पीछे धेनु, उसी को कहते हैं ब्रज। और जो तीन वस्तु प्रभु हमारे ब्रज में है वो आपके वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में प्रभु आपके चरणों में रेणु नहीं है, आपके मुख में वेणु नहीं है और आगे पीछे धेनु नहीं है।
वो तो प्रभु हमारे बिज में है, और जो सुख प्रभु हमारे बिज में है वो कहां मिल सकता है। और देखो बिज के भी अनेक अनेक अर्थ अपने आचार्यों ने करे। ब्रज शब्द का अर्थ अमरकोश में देखें तो ब्रज यानी क्या, ब्रज गतौ धातु है, यानी ब्रज यानी जाना। ब्रज यानी क्या, जरा बोलते रहना मुझे लगे समझ में आ रहा है। हाँ, जाना, जहां व्यक्ति अपने जीवन में अपने से दूर होके अपने प्रभु के पास जावे वह ब्रज है। ब्रज का एक अर्थ होता है पहुंचना। ब्रज का दूसरा अर्थ क्या होता है, जब जीव प्रभु के सन्मुख पहुंचे तब मानो वो ब्रज है। ब्रज का एक अर्थ होता है विदाई हो जाना। क्या अर्थ होना, जब घर वालों को लगे कि घर में रह के भी अब ये हमारा रहा नहीं तो मानो आप ब्रज में हो। संसार में रह के भी जब जीव प्रभु से ऐसा जुड़ जाए कि संग रह रहा है फिर भी लगे अब ये मेरा नहीं अब ये प्रभु का हो गया है तो मानो वो ब्रज है। और कहते हैं उसके आगे, ब्रज के आगे यदि अनु उपसर्ग लगाओ तो अर्थ हो जाता है अनुव्रज। और अनुव्रज यानी किसी के पीछे पीछे जाना, उसको कहते हैं अनुव्रज। जब जीव सतत प्रभु के पीछे पीछे जाए तब वो हो जाता है अनुव्रज। दूसरा होता है व्रज के आगे आ शब्द लगाओ तो होता है आव्रज। क्या हो गया, हाँ आव्रज यानी आना, जब जब प्रभु के सन्मुख आवे वो आव्रज। तीसरा होता है परी शब्द आगे लगा दें व्रज के आगे तो क्या अर्थ हो गया, परिव्रज। और परिव्रज यानी क्या, घर परिवार को छोड़ जब यात्रा में जाते हो तो एक वैराग्य की कामना हो जाती है ना, टेंट में रहना होता है, यहां तो देखो कैसी सुख है आपको एसी में बैठे हो, वहां तो गर्मी के अंदर टेंट में बैठना होता है, बारिश भी होती है धूप भी आती है और सब कुछ सहन करना पड़ता है, यानी वो भी परिव्रज है, यानी अपना एक प्रकार का संन्यास है। और व्रज शब्द के तीन प्रचलित अर्थ कौन कौन से हैं, एक व्रज का नाम है सुरसेन देश, कौन सा सुरसेन देश, दूसरा व्रज का प्राचीन नाम है मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में पूरा ब्रज आ जावे, और तीसरा नाम है ब्रज। अब कहते हैं ना ये ब्रज फलित किसको हो, ये ब्रज की अनुभूति किसको हो, अपने वहां प्रसंग आता है कि एक वैष्णव किसी सेठ के वहां काम करते, वो सेठ भी वैष्णव था और जो घर में काम करता वो भी वैष्णव। अब वो जो गरीब वैष्णव था उसके मन में बड़ी इच्छा कि प्रभु कृपा करें तो एक बार ब्रज में होके आऊं, प्रभु कृपा करें एक बार ब्रज में जाके आऊं, पर उसके पास द्रव्य की व्यवस्था नहीं थी। अब जिस सेठ जी के घर में काम करता, सेठ जी के पास द्रव्य बहुत पर ब्रज में जाने की इच्छा नहीं होती, बोले मुझे ब्रज में जाना है तो है पर क्या करूं, मन में से इच्छा नहीं हो रही, लेकिन मेरे घर में जो वैष्णव काम करता है उसकी ब्रज में जाने की इच्छा बहुत है पर व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा उपाय करूं कि मेरा काम भी हो जाए उसका काम भी हो जाए। और एक दिन सेठ जी ने उस वैष्णव को बुलाया और बुला के कहा कि देख भैया, मैं जानता हूं कि बरसों से तेरी ब्रज में जाने की इच्छा बहुत है पर व्यवस्था नहीं है, और मेरे मन में मेरे पास व्यवस्था बहुत है पर इच्छा नहीं है, तो एक मौका मैं तुझे दूं तू उस मौके का लाभ लेगा। बोले क्या करना होगा, सेठ जी ने कहा देख तू एक महीना नहीं दो महीना नहीं छह महीना ब्रज में रह क्या, जो भी कुछ खर्चा होगा सारा मैं दूंगा, जो भी कुछ तुझे व्यय करना हो सब खर्चा मेरा, पर शर्त एक, तू छह महीने तक ब्रज में रह के जो भी दान दक्षिणा करे जो भी सत्कार्य करे लेकिन जब वापस आएगा तो मैं 11 ब्राह्मण रेडी रखूंगा, तुझे यहां के सारे यात्रा का फल संकल्प करके मुझे दे देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, आपको फल चाहिए मुझे दर्शन चाहिए, तो जिसको जो चाहिए मिल जाएगा। ये विचार करके वो वैष्णव गया ब्रज में, जाके यमुना जी का पूजन किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, गायकों का पूजन किया, श्री महाप्रभु जी गुसाई जी की सेवा करी, सातों निधि के दर्शन करे, उनकी टहल करी, और छह महीने के बाद जब वापस आया सेठ जी ने 21 ब्राह्मण रेडी रखे थे। उसने कहा सेठ जी जरा स्नान करके आऊं पहले संकल्प कर। बोले बहुत देर से चल के आ रहा हूं बड़ी भूख लगी कुछ खा लो पहले संकल्प कर।
बोले स्नान करके वो सब बाद में, पहले संकल्प कर और सारा पुण्य मुझे दे। छह महीना रह के आया, इतना खर्चा किया है मैंने, किसके लिए खर्चा किया है कि सारा यात्रा का फल मुझे मिले। उसको बैठाया, 11-21 ब्राह्मण आ गए और संकल्प कराया कि जो जो भी करके आया सब कुछ बोल। बोले क्या करूं सेठ जी, मैंने जो भी पूजन किया, दान दक्षिणा की, दान धर्म किया, जो भी जप तप किया, वो सभी का फल मैं आपको दे रहा हूं। सेठ जी चौंक गए, अरे इतने समय रह के तूने श्री गिरिराज जी की सेवा करी, यमुना जी की सेवा करी, श्री वल्लभ की सेवा करी, वो फल कहां है? तब वैष्णव की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा सेठ जी, जो दान दक्षिणा करी, जो पुण्य किया, उसका तो फल मैं दे सकता हूं, पर श्री यमुना जी के दर्शन, श्री गिरिराज जी की सेवा, श्री वल्लभ की सेवा, वो पुण्य नहीं, वो तो स्वयं फल है। पुण्य का फल दे सकता हूं, लेकिन फल का फल आपको कैसे दूं? और वास्तव में ये जो ब्रज के अंदर अपन को अनुभूति होगी श्री यमुना जी के दर्शन की, श्री गिरिराज बाबा के सानिध्य की, ये कोई सत्कर्म नहीं है, ये तो वर्षों से सत्कर्म किए हुए होंगे, उसका ये फल है जो 5 दिनों तक अपन को पाना है। और देखो ये ब्रज, ब्रज की, जब ब्रज को पहचानना है तो ब्रज के कुछ निशानी है। सबसे पहले तो ब्रज की भाषा, उसको क्या कहते हैं, ब्रज भाषा, पर ये है ब्रज की बोली। बोले क्यों? भाषा किसको कहते हैं, जिसका ग्रामर हो और जो बोलचाल में आती है उसको कहते हैं बोली। तो ये ब्रज की भाषा भले भाषा कहते हैं पर है बोली। पर अपने वहां कहते हैं कि यदि ब्रज को जानना है तो ब्रज भाषा का भी आनंद लेना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि ब्रज भाषा के लिए कहा जाता है कि ये तो वो भाषा है, ब्रज भाषा तो वो भाषा है कि जाने वाणी के विधाता को बोलनो सिखायो है। कहते हैं कि वाणी के विधाता, कि जिन भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, वो गीता का उपदेश देने वाले भगवान भी यदि बोलना सीखे हैं तो इस ब्रज भाषा में बोलना सीखे हैं। इसलिए इस भाषा को भी आपने वंदन किया। और कहते हैं कि जब ब्रज के अंदर भगवान होते हैं तो भगवान कैसे होते हैं? देखो वैकुंठ में भगवान मुकुटधारी होते हैं, लेकिन ब्रज में प्रभु कैसे होते हैं? पक्षधर। कैसे? मोर पंख धरा के होते हैं कि नहीं? हां के ना तो बोलो। और मोर पंख को संस्कृत में क्या कहते हैं? बोले पक्ष। और पक्षधारी यानी क्या? जब भगवान ब्रज में आते हैं तो ब्रज में आके भगवान भी अपने भक्तों के पक्षधर हो जाते हैं, भक्तों के पक्षपाती हो जाते हैं। ऐसे भगवान यहां पे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आज जब अपन ब्रज में जाते हैं और जो ब्रज के दर्शन अपन करते हैं, ये ब्रज को प्रगटाया किसने? ये ब्रज के एक एक स्थान का प्रागट्य कराया किसने? और जब तक अपन वो न जाने तब तक अपन ब्रज का आनंद नहीं ले पाते, अपन ब्रज का सुख नहीं ले पाते। ये ब्रज कहां से आया? और देखो तो सही, ये ब्रज के लिए अपन कहते हैं ना कि ये ब्रज वो है कि जिसके लिए एक बार गोपीजनों, सखाओं ने भी कहा कि प्रभु ऐसे करो, हमने सुना है कि आप वैकुंठ में रहने वाले हो, आपके वैकुंठ के दर्शन हमको कराओ। प्रभु ने कहा ठीक है। सभी सखाओं से कहा ऐसे करो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दो। सभी सखाओं ने 2 मिनट के लिए आंखें बंद करी और क्या देखा? भगवान ने उनको वैकुंठ के दर्शन कराए। और क्या देखा? कि स्वर्ण के सिंहासन पे भगवान विराजमान है, बड़े बड़े देवता है उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये सुन के तो सभी सखा कांपने लगे और आंख बोल के कहे, प्रभु कन्हैया हमको वो दर्शन नहीं, हमको तो हमारे ब्रज का लाला चाहिए, जब चाहे मिल पावे, जब चाहे उनके संग खेल पावे। और इसलिए तो हमारे भगवदियों ने गाया कि कहा करूं वैकुंठ ही जाए। उस पद का अपन श्रवण करें कि जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जब ब्रज मिला, जब ब्रज का सुख मिला, तो ब्रज को छोड़ के कोई वैकुंठ भी जाने को तैयार नहीं है। और इसलिए तो आप कहते हैं गोविंद स्वामी, कहाँ करो वैकुंठ ही जाए, कहाँ करो वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद
यशोदा गोपी जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं नंद यशोदा गोपी जहाँ नहीं ग्वाल बाल और गाय कहाँ करो वैकुंठ ही जाए। कहते हैं कि प्रभु हम वैकुंठ जाके क्या करें। भगवान ने कहा अरे सखाओ मेरे वैकुंठ का जैसा वैभव है वैसा वैभव इस ब्रज में कहा, एक बार आओ तो सही, देखो तो सही मेरा वैकुंठ कैसा है। सखाओ ने कही प्रभु वैकुंठ ले जाना तो चाहते हो पर जैसी प्रेम करने वाली यह यशोदा मैया है, क्या आपके वैकुंठ में वो यशोदा मैया है। प्रभु ने कहा नहीं, अरे यहाँ दुलार करने वाले जो नंद बाबा हैं वो नंद बाबा क्या आपके वैकुंठ में है। प्रभु ने कहा नहीं, यहाँ प्रभु आपके लिए अपने प्राणों को नौछावर करने वाली जो गोपियां हैं क्या वो गोपियां आपके वैकुंठ में हैं। प्रभु ने कहा नहीं। तो सखाओ ने कहा तो फिर ऐसे वैकुंठ में आके हम क्या करेंगे, प्रभु क्या करूं वैकुंठ ही जाए। और आगे वर्णन करते हुए कहते हैं जहां न जल जमुना को निर्मल जहाँ न जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमनी की हाय परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी परमानंद प्रभु परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तजी मेरी जाय बलाय ब्रज रज तजी मेरी जाय बलाय कहाँ करो वैकुंठ ही जाय कहाँ करो वैकुंठ ही जाय कहाँ करो वैकुंठ ही जाए। इसलिए तो कहा कि जो सुख प्रभु हमारे ब्रज में है वो तो आपके वैकुंठ में नहीं है, लेकिन आज जिस व्रज को अपन जाके देखते हैं वो व्रज का प्रागटीकरण किसने किया। स्कंद पुराण के अंदर ये कथा आती है कि जब भगवान ने स्वधाम गमन किया, और कहते हैं कि जब भगवान ने स्वधाम गमन किया यादवों का नाश हुआ, और कहते हैं पूरी द्वारिका जल के अंदर डूब गई, और जहां सभी यादवों का नाश हुआ लेकिन बचे तो भगवान के पौत्र अनिरुद्ध लाल जी के पुत्र वज्रनाभ जी और 16,000 रानियां बची। और कहते हैं जब वज्रनाभ जी बचे हैं तो अर्जुन अपने संग उन्हें हस्तिनापुर ले गए, और जहां थोड़े बड़े हुए युधिष्ठिर ने कहा कि देखो वज्रनाभ मैं तुम्हें मथुरा मंडल का राजा बनाता हूं। ये विचार करके उनको मथुरा में लेके आए और तिलक करके मथुरा मंडल के राजा वज्रनाभ जी को बनाने में आया। लेकिन वज्रनाभ जी विचार करने लगे जब भगवान ने स्वधाम गमन किया तो पूरा जो व्रज था वो पूरा व्रज नष्ट हो गया, कोई जगह नहीं बची, कोई स्थान नहीं बचा, भगवान के संग ही पूरा व्रज विलीन हो गया। तो यहां वज्रनाभ जी को राजा तो बना दिया, लेकिन वज्रनाभ जी चिंतित रहते थे जब व्रज ही नहीं रहा, कोई स्थान नहीं रहा, और पूरे ब्रज के अंदर कोई मनुष्य है ही नहीं, सिर्फ वानर है। अब यहां मुझे राजा बनाया तो मैं राज करूं किसका जब कोई प्रजा ही नहीं है, चिंतित रहते थे। तो आपके ही संबंध में ऐसे काका परीक्षित एक बार वज्रनाभ जी को मिलने के लिए उनके पास आए,
लेकिन वजनाब जी को जब चिंतित देखा, परीक्षित ने पूछा, अरे आपको चिंता क्यों है? बोले, क्या करूं, मुझे युधिष्ठिर जी ने यहां का राजा तो बना दिया है, लेकिन पूरे ब्रज के अंदर कोई भी मनुष्य नहीं रहता, यहां कोई स्थान नहीं है, सिर्फ वानरों की ये नगरी है, तो यहां मैं राजा बन के राज करूं तो किसका राज करूं? तब परीक्षित ने कहा, आपकी चिंता दूर होगी, पर ऐसे करो कि ब्रज में वर्तमान काल में शांडिल्य ऋषि विराजते हैं, आप उन शांडिल्य ऋषि के पास जाओ और अपनी चिंता कहो, तो वो आपको इसका उपाय बताएंगे। तब वज्रनाब जी ढूंढते ढूंढते शांडिल्य मुनि के पास गए और शांडिल्य मुनि के पास जाके जब कहा कि युधिष्ठिर ने मुझे यहां ब्रज का राजा तो बना दिया है, पर यहां पे तो कोई मनुष्य ही नहीं है, कोई गांव वाव कुछ भी नहीं है, तो मैं राज करूं तो किसका करूं? तब शांडिल्य मुनि ने कहा कि देखो वज्रनाब जी, आप इस व्रज को नहीं जानते। व्रज किसको कहते हैं? जो व्यापक है, और ये व्रज के अणु अणु में कृष्ण विराजमान है, या व्रज की प्रत्येक अणु के अंदर भगवान है, लेकिन उसका आत्मसात कैसे हो? जैसे सूरज के अंदर तेज होता है, जल में शीतलता होती है, वैसे व्रज का कोई भी कण कण भी कृष्ण से अलग नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो कहे, ऐसे करो, जिस जिस स्थान में प्रभु ने जो जो लीला करी थी, आप उस स्थान पे जाओ और जाके वैसे ही कुंड, वैसे ही स्थान, वैसे ही गांव वहां प्रकट करो। और कहते हैं जैसे जैसे उस स्थान में लीला हुई है, उस लीला के अनुकूल उस स्थानों के नाम दो। ये विचार करके वज्रनाब जी ने जिन जिन स्थान में प्रभु ने लीला करी उसके अनुरूप मथुरा, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, ऐसे ऐसे गांवों को प्रकट किया, वैसे वैसे वहां पे कुंडों को प्रकट किया। और आज अपन जो भी व्रज देखते हैं, ये पूरा व्रज किसने प्रकट किया? वज्रनाब जी ने। किन्ने? वज्रनाब जी ने। और कहते हैं कि जहां जहां मंदिर बना है, और इस व्रज के अंदर आपने 12 वन, 24 उपवन, 360 कुंड, 9 देवी, 9 महादेव, 8 दाऊजी, 4 ऊखर, 4 पोखर, 8 सरोवर, 5 पर्वत, 7 चरण चिन्ह, 9 शिला, 9 वड, 11 कुएं, 4 कदम खंडी, 6 झूला, ये सारे ब्रज के अंदर आपने प्रकट किए कि जिसके वर्तमान में दर्शन अपन करते हैं। और ये सारे स्थान जब आपने प्रकट किए और ये ब्रज अपन को प्राप्त हुआ, और कहते हैं, किसी ने कहा है कि श्री यमुना गिरिराज जू ब्रज मंडल सुखधाम, यमुना गिरिराज जू ब्रज मंडल सुखधाम, श्री यमुना गिरिराज जू ब्रज मंडल सुखधाम, जाके मन में वे ही हैं ताके पूरन काम। देखो, कहते हैं किसी को एक चिंतामणि मिले तो भी जो चाहिए वो मिल जावे, किसी को एक कल्पवृक्ष मिले तो भी इच्छित वस्तु मिल जावे, किसी को एक कामधेनु गाय मिले तो भी जो चाहिए मिल जाए, लेकिन हम वैष्णवों को तो तीनों तीन मिले हुए हैं, अपने चिंतामणि यानी श्री वल्लभ, अपना कल्प वृक्ष यानी श्री यमुना जी, और अपनी कामधेनु गाय यानी अपने श्री गोवर्धन धरण, ये तीनों तीन अपन को मिले हैं। और फिर अपनी कामना पूर्ण न हो इसमें क्या संशय है, ये बात यहाँ पे करी। और ये भी कहा कि देखो, भगवान सभी स्थानों को छोड़ के जा सकते हैं, पर ब्रज को छोड़ के भगवान कभी नहीं जाते। इसलिए तो भगवान ने भी कहा है कि वजिता जी अनत न जाऊं हो मेरे यह टेक। प्रभु कहते हैं कि मेरी यह टेक है कि मैं और कहीं भी जाऊं, लेकिन मेरे ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊं, क्योंकि जिस व्रज के अंदर अपन को प्रवेश करना है ना, सबसे पहले उस व्रज के महात्मा को जानना पड़े, क्योंकि जो वस्तु सरलता से और सहजता से मिल जाती है ना, फिर उसकी वैल्यू अपने मन में रहती नहीं है, अपन बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। यहाँ शबरीमला जाना हो तो 40 दिन का नियम लेना पड़ता है, काले वस्त्र पहनने पड़ते हैं, भूमि शयन करना पड़ता है, और ये सारे नियम लेके जाओ ना तो पता चलता है कि कहां पे आए। और आज व्रज अपन ने इतना सरल बना दिया, इच्छा हुई टिकट लेके पहुंचे, लेकिन सोचे समझे बिना पहुंचते हैं
तो जो देखने गए वो देख के नहीं आते, जो देखना नहीं चाहिए वो सब सब जानते हैं। भज में तो ये था, भज में तो वो था, भज में तो ये था, तब पूछने का मन होता है भैया देखने क्या गए थे। जो देखने गए वो तो कहीं चूक जाता है और वैसे ही घूम के अपन आ जाते हैं। इसलिए कह दिया कि भज के महात्म को जब जाने तो पता चले। विचार करो, जब श्री गोसाई जी के वहां श्री महाप्रभु जी के भाई केशवपुरी जी, जो बहुत बड़े मठ के अधिपति थे और करोड़ों की संपत्ति उनके वहां थी, उन्होंने सोचा कि मेरे पास कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, पर श्री गोसाई जी का परिवार बड़ा है तो मैं वहां जाके कहता हूं कि आपके एक बालक को मुझे गोद दे दो तो मेरी करोड़ों की संपत्ति है उसका अधिपति मैं उनको बना दूंगा। ये विचार करके केशवपुरी जब श्री गोसाई जी के वहां आए, सभी सातों लाल जी ने सुना और आके श्री गोसाई जी से कह दिए, कृपानाथ सामने कुछ भी क्यों ना हो लेकिन श्रीनाथ जी की सेवा से हमको दूर मत करना। सभी लोग तो हां के नाम भूल गए, लेकिन उस समय घर में सबसे छोटे थे तो श्री कल्याण राय जी थे, सबसे छोटे बालक थे। अब उनको लगा जितने घर के बड़े हैं वो तो सब ना बोल के आ गए कि हमको गोद मत देना, हम प्रभु की सेवा छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते, और मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तो कुछ काका जी को कह नहीं पाऊंगा दादाजी को, और यदि उनने मुझे गोद दे दिया और प्रभु से दूर जाना पड़ेगा तो मैं कैसे रहूंगा। ये सोच रहे थे और रात्रि के समय आपको नींद नहीं आ रही थी, और जब श्री गोसाई जी अपने कक्ष में पौड़ रहे थे क्या देखा, बाहर किसी के रोने का आवाज आया, और जहां किसी का रोने का आवाज आया विचार करने लगे यहां कौन रो रहा होगा, और जैसे बाहर आके देखा तो क्या देखा कि कल्याण राय जी रो रहे हैं। श्री गोसाई जी ने कहा, अरे बाबा आप क्यों रो रहे हो? बोले मुझे भय लग रहा है। बोले अपने वहां श्रीनाथ जी विराज रहे हैं फिर भय कैसा? बोले वो भय दूर तभी होगा जब आप अपना हाथ मेरे माथे पधरा के मुझे वचन देंगे। बोले क्या वचन चाहिए? श्री गोसाई जी का हाथ लेके अपने माथे पधराया और कहा, आप मुझे वचन दो कि हो वज मांग नो जू व्रज तजी अनत न जाऊं, ऐसी कृपा करो कि व्रज छोड़ के मुझे कहीं बाहर मत भेजो, जो व्रज से जाना पड़े दूर, प्रभु से दूर होना पड़े, और ऐसी अरबों की संपत्ति भी मिले तो मेरे लिए धूल बराबर है कि जहां मेरे प्रभु की सेवा नहीं, जहां मेरे प्रभु से मुझे दूर जाना पड़े। और ऐसा ये ब्रज है कि जिसके अंदर अपन को प्रवेश करना है। और देखो, हमें ब्रज यात्रा करनी है या ब्रज परिक्रमा, यात्रा किसको कहते हैं और परिक्रमा किसको कहते हैं? और देखो, हमारे गुजरात में तो अधिकतर यात्रा की जगह शब्द का उपयोग करते हैं यात्रा, सुना है ना, तो यात्रा करनी चाहिए कि यात्रा? गुजरात में किसी से पूछे बोले कहां जा रहे, बोले यात्रा है जी, यात्रा करवा। तो कहते हैं कि यात्रा यानी क्या और यात्रा यानी क्या? यात्रा यानी याति तात्रुमात्मनमिति यात्रा, आत्मा का उद्धार करने के लिए जहां जाया जाए उसे कहते हैं यात्रा। और यात्रा किसको कहते हैं? जायते अन्येषां त्रासातेति यात्रा, औरों को परेशान करने जाना, औरों को त्रास देने जाना, उसको कहते हैं यात्रा। यात्रा का अर्थ क्या होता है? यात्रा यानी क्या? अपने आत्म का कल्याण करने जाते हैं उसे कहते हैं यात्रा, और औरों को परेशान करने जाते हैं उसको कहते हैं। तो जब जब भी यात्रा उठती है उसमें दोनों आते हैं, यात्री भी आते हैं और यात्री भी आते हैं। यात्री किसको कहते हैं? जैसी व्यवस्था है इसमें संभल गए। और यात्रा कौन सा? यात्री वाले आते हैं यात्रा के अंदर, आज ये नहीं आया, पानी गर्म नहीं आया, आज नींबू पानी नहीं मिला, आज वो नहीं मिला, आज ये नहीं मिला, फरियाद फरियाद फरियाद, ना खुद चैन से बैठे ना औरों को बैठने दे, उसको कहते हैं यात्रा। अब बताओ, यात्रा करनी है या यात्रा? और आप भी सोचो कि जब आप आखिरी ब्रज में गए थे तो यात्रा करके आए थे कि यात्रा करके आए थे? यदि आत्म कल्याण करने के लिए गए, आत्मचिंतन करने के लिए गए तो उसको कहते हैं यात्रा। लेकिन कई बार 84 कोस की परिक्रमा करने लोग जाते हैं,
40 दिन एक टेंट में जिसके पास रहे, 40 दिन में आते हैं तो ऐसा होता है एक दूसरे को देखने का व्यवहार नहीं रहता। तो मानो यात्रा करके आए। तो ये दोनों वस्तु भी है, यात्रा भी है। और तो पहले ये क्लियर कर लेना कि 5 दिन में अपन को यात्रा करनी है या यात्री होगा वो सबके अनुकूल हो जाएगा। और यात्रा यानी क्या, जितनी भी अनुकूलता दो उसमें से भी प्रतिकूलता ढूंढ ले, उसको कहते हैं यात्री। तो यात्री बन के रहना है या यात्री, जरा भाव से बोलना एक संग पता चले मुझे। बहुत बढ़िया। तो यात्रा की बात भी करी और यात्रा की भी बात करी। अब यात्रा करने जाते हैं तो क्यों जाया जाए। भागवत जी में विदुर जी ने यात्रा करने के कुछ लक्ष्य बताए कि यात्रा क्यों करनी चाहिए। और वो विदुर जी कहते हैं कि सबसे पहले तो भगवत प्राप्ति के लिए, पहला लक्ष्य क्या है ये विदुर जी का बताया हुआ, भगवत प्राप्ति। दूसरा कहा पुण्य प्राप्ति। अब देखो यात्रा में गए हैं तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि अपन प्रभु को खोजने, प्रभु की प्राप्ति के लिए, जैसे रास में से अंतर ध्यान प्रभु हुए और गोपियां प्रभु को ढूंढते ढूंढते जैसे ब्रज में घूमी, बराबर वैसे ही प्रभु को खोजने जाना है। ये लक्ष्य याद रखना, यदि लक्ष्य भूले तो भटक जाओगे। यानी प्रभु को ढूंढने जाना ये लक्ष्य। दूसरा कहा यात्रा यानी क्या, बोले पवित्र एकांत वास करना जिसमें अपन को अपनी निजता का अनुभव हो। दूसरा तीसरा लक्ष्य बताया कि भगवत चिंतन और भगवत गुणगान। जब यात्रा करके आओ और खाली गैप मिले उसमें क्या करना चाहिए, भगवत चिंतन भगवत गुणगान। पांचवा कहा कि भूमि शयन इत्यादि नियम। छठा कहा शरीर और इंद्रियों को सुख सगवर से दूर ले जाना। देखो कई बार अपन को ले लगता है कि इन वस्तुओं के बिना चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, लेकिन कोविड के अंदर बहुत कुछ पता चल गया कि भले कुछ भी न हो फिर भी चलता। हाँ, तो यात्रा के अंदर यानी क्या, जिन जिन वस्तुओं के बिना अपन को चलेगा नहीं ऐसे लगता हो, ऐसी वस्तुओं के बिना रहने का अभ्यास करना, उसको कहते हैं यात्रा। आगे कहा के स्वजन और लौकिक जनों के संग को छोड़ के अपने को खोजना, प्रभु को खोजना, उसको कहते हैं यात्रा। सादगी सात्विकता और संयम जिसे रखना उसे कहते हैं यात्रा। और प्रभु को जिसमें प्रसन्नता हो ऐसे नियम ऐसे व्रत लेना उसको कहते हैं यात्रा। अब देखो जब यात्रा करते हैं तो अपने वहां दो स्थानों का महिमा, एक है तीर्थ और एक है क्षेत्र। कौन कौन से तीर्थ किसको कहते हैं, जहां जल की महत्ता हो, जहां पवित्र नदी या पवित्र जल की महत्ता हो उसे कहते हैं तीर्थ, और जहां भूमि का महत्व हो उसे कहते हैं क्षेत्र। जहां पवित्र यमुना गंगा आदि नदियां हो उस स्थान पे अपन जावे तो उसको कहते हैं तीर्थ, और जहां भूमि का महत्व जैसे कुरुक्षेत्र कहते हैं वहां भूमि का महत्व है। तो ये तीर्थ और क्षेत्र ये दोनों के तपस जाना उसको कहते हैं यात्रा। और यात्रा यानी क्या और परिक्रमा यानी क्या, कौन कौन से शब्द मैंने कहे जरा पीछे वाले भी बोलना। यात्रा और यात्रा किसको कहते हैं, जहां अपन रहते हैं वहां से उस धाम तक पहुंचना उसे कह, और वहां के दर्शन तीर्थों का दर्शन करना उसे कहते हैं यात्रा। लेकिन परिक्रमा किसे कहते हैं, उस स्थान पे पहुंचने के बाद जिस स्थान के महत्व के लिए अपन गए थे वो स्थान अपने सीधे हाथ की तरफ रहे ऐसे उसके चारों ओर गोल घूमना उसे कहते हैं परिक्रमा। परिक्रमा किसको कहते हैं, जिस दर्शन के लिए अपन गए हैं, जिस स्थान के लिए अपन गए हैं वो स्थान अपने सीधे हाथ की तरफ रहे ऐसे परिभ्रमण उसके चारों ओर करना उसको कहते हैं परिक्रमा। क्या कहते हैं, परिक्रमा। तो अपन कहते हैं ना कि व्रज यात्रा भी है और व्रज परिक्रमा भी है, क्योंकि व्रज में पहुंचे श्री मथुरा गोकुल होके निकल गए तो वो क्या कहते हैं, व्रज यात्रा।
और जब एक एक स्थानों का दर्शन क्रम से अपन करते हैं उसे कहते हैं व्रज परिक्रमा। तो ये परिक्रमा का आनंद अपन को ये 5 दिन लेना है। पर महत्व आवे, आपने सुना होगा सूखी परिक्रमा लीली परिक्रमा, सुना है कि नहीं? हाँ है ना, तो बोलो। तो हमको सूखी परिक्रमा करनी होगी कि लीली? लीली और सूखी में क्या फर्क? हाँ, लीली में सूखी परिक्रमा किसको कहते हैं और लीली परिक्रमा? हाँ, देखो अपने मां, प्रायः जब लीली परिक्रमा होती है तो नियम लेने का क्रम, प्राचीन क्रम दान एकादशी से, भादो मास में से, और भादो मास के आसपास से जो परिक्रमा होती है उसे लीली परिक्रमा कहते हैं, जब बारिश भी आती है। और फेब्रुवरी इत्यादि महीने में खेल के समय, बसंत के समय जो परिक्रमा करते हैं उसे सूखी परिक्रमा बोलते हैं। तो ये भादो मास की परिक्रमा का इतना महत्व क्यों है? भादो मास में ही ये व्रज परिक्रमा क्यों होती है? तो उसका एक प्रसंग है। बोले क्यों? कहते हैं भगवान ने जब वृषभासुर को मारा, और जब वृषभासुर को मारा तो वृषभासुर कहते हैं बैल का रूप लेके आया था, और जब भगवान ने उसे मारा सभी ब्रजवासी कहने लगे अरे प्रभु आपने तो ये गौवंश को मारा। प्रभु ने कहा अरे ये बैल के रूप में भले था पर ये तो दैत्य था। सभी ने कहा प्रभु भले दैत्य था लेकिन गौवंश का आकार लेके आया था, और यदि उसको मारा तो प्रभु आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि जब ये दैत्य है, जब गौवंश है ही नहीं तो प्रायश्चित कैसा? तब वजभक्तों ने कहा प्रभु आपको प्रायश्चित इसलिए करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी गौ का अपराध करते डरे। जब आपने गौ आकार रूप दैत्य को भी मारा और आप प्रायश्चित करोगे तो आने वाली पीढ़ियों को लगेगा कि गाय के अपराध से कितना बचना चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं? तो किसी गोपी ने कहा कैसे करो कि आप पैर से चल के, राधा जी कहते कि पूरे तीर्थों का परिभ्रमण करो और पूरे भारत के तीर्थों का परिभ्रमण करके आओगे तब आप शुद्ध होगे। प्रभु ने कहा ठीक है कि मैं प्रायश्चित करने जाऊंगा। चंद्रावली जी कहने लगे प्रभु आप चले जाओगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम प्रभु वियोग में आपके बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु प्रायश्चित तो करना होगा। प्रभु ने कहा यदि मैं चला गया पूरे भारत के तीर्थों का परिभ्रमण करने तो मेरे बिना मेरे ब्रजवासी कैसे रहेंगे, मेरे बिना मेरी गोपियां कैसे रहेंगी। यमुना जी से पूछा कि यमुना जी आप बताओ क्या करना चाहिए। यमुना जी ने कहा प्रभु आप प्रायश्चित तो करने वाले हो लेकिन प्रभु आपके बिना ये ब्रजभक्त रह नहीं पाएंगे, तो प्रभु एक उपाय है। बोले क्या? आप यदि सभी तीर्थों में जाओ इससे अच्छा है सभी तीर्थों को आप ब्रज में बुला लो, और जब प्रभु सारे तीर्थ ब्रज में आ जाएंगे तो प्रभु आप उनकी यात्रा करना। और ये विचार करके कहा हम भी आपके संग यात्रा में चलेंगे और हमको वियोग भी नहीं होगा और पूरे तीर्थों की परिक्रमा भी हो जाएगी। और ये विचार करके प्रभु ने ये भादो मास के अंदर कहते हैं जितने भी तीर्थ पूरे भारत के हैं उन सभी तीर्थों को ब्रज में आमंत्रित किया, और सभी तीर्थ कहते हैं जब ब्रज के अंदर आए तब प्रभु ने सभी ब्रजभक्तों को लेके और सभी तीर्थों की परिक्रमा करी। और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा व्रज के अंदर 4 धाम भी है। देखें आप आदिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे तीर्थ वहां ब्रज में। और प्रभु ने जब पूरे ब्रज परिकर के संग वहां पूरी तीर्थों की यात्रा करी सभी ने कहा प्रभु अब आपका प्रायश्चित पूरा हो गया। और तब प्रभु ने सभी तीर्थों से कहा कि ये कार्य हो गया, अब आप अपने अपने स्थान पे वापस जाओ। सभी तीर्थों ने कहा प्रभु आपने हमें अपने घर बुलाया और आपके वहां आके वापस जाना किसको अच्छा लगे। प्रभु ने कहा वापस तो जाना पड़ेगा, लेकिन तीर्थों ने कहा प्रभु अब हमें आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। तब प्रभु ने कहा जिस तीर्थ में आप हो वहां कई तीर्थ पुरोहित भी हैं, उनका भी क्रम चलना चाहिए, तो तीर्थ जितने भी हैं वापस जाने को तैयार नहीं,
पर प्रभु ने कहा कैसे करो, आप भले आदि देविक यहां पे रखो लेकिन आदि भौतिक स्वरूप से आप जाओ, लेकिन जब जब भी भादो महीना आवे तब आप सभी तीर्थ पुनः व्रज के अंदर आ जाओ। और कहते हैं उस समय जो परिक्रमा करते हैं उसको कहते हैं लीली परिक्रमा। तो ये क्रम भी देखा, और इसलिए अपने वहां कहते हैं ना, ये व्रज के अंदर कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं है कि जिसका वास व्रज में ना हो। इसलिए तो किसी व्रजवासी को किसी ने कहा कि चलो अपन वो तीर्थ करके आते हैं, तो व्रजवासी ने कहा कि व्रज को छोड़ के मैं कौन से तीर्थ में जाऊं, और ऐसा कौन सा तीर्थ है जो व्रज के अंदर नहीं है। उसने कहा कौन सा तीर्थ व्रज में है, तब उस व्रजवासी ने कहा कि कीर्ति कुमारी के पग पग पे प्रयागराज, कीर्ति कुमारी के पद पद पे प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तरु तरु वास कर रहे अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार पर्यो रहे हरिद्वार, गोपिन के द्वार द्वार पर्यो रहे हरिद्वार, बद्री विशाल यहां बने दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग को लेके करेंगे क्या, जान लो हमको हम ब्रज के निवासी हैं। उन्हें कहा कि जो कौन सा तीर्थ ऐसा है जो ब्रज में नहीं है। कीर्ति कुमारी के पद पद पे प्रयागराज, जब ठाकुर जी वेणुनाद करें और उस वेणुनाद को सुन के जब राधा जी कृष्ण को मिलने के लिए दौड़े, और जहां जहां राधा जी के चरणों की छाप पड़े, हमारे लिए वो एक एक चरणों की छाप एक एक प्रयागराज है। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, जहां जहां हमारे प्रभु की कुंज निकुंज हैं, वो तो एक एक कुंज हमारे लिए कोटि कोटि करोड़ करोड़ काशी के बराबर है। कहते हैं कि जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, जहां जहां ब्रज में प्रभु के चरणों की रज है वो रामेश्वर रूप है। और कहते हैं कि तरु तरु वास कर रहे अयोध्या निवासी हैं, जहां जहां वानरों को देखें बोले ये कौन है, प्रभु की सेना है। गोपिन के द्वार द्वार पर्यो रहे हरिद्वार, बद्री विशाल यहां बने दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग को लेके करेंगे क्या, जान लो हमको हम ब्रज के निवासी हैं। तो इस ब्रज के अंदर अपन को अब प्रवेश करना है, और सबसे पहले जब यात्रा में प्रारंभ होता है और यात्रा शुरुआत करते हैं उससे पहले नियम ग्रहण भी होता है कि नहीं, हाँ? तो मानो अब अपन सब श्री अमना जी के विश्राम घाट पे आ गए हैं, क्योंकि ब्रज की यात्रा में और ब्रज के अंदर प्रवेश श्री यमुना जी की आज्ञा के बिना नहीं मिलता। श्री यमुना जी कृपा करें तब ब्रज में प्रवेश मिलता है, यमुना जी कृपा करें तो ब्रज यात्रा का अधिकार मिलता है। और जब जब भी 84 कोस की परिक्रमा जाती है तब सबसे पहले नियम ग्रहण होता है। क्या होता है? हाँ, तो सबसे पहले तो विश्राम घाट पे अपन बैठे हैं, मानसी में हाथ में जल ले लो, और ब्रज यात्रा का पहले संकल्प, शास्त्री जी यात्रा का संकल्प करेंगे और फिर नियम ग्रहण भी अपन करेंगे। आंखों बंद करके भावना करो कि विश्राम घाट पे अपन है। तीन बार बोलिए, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुर 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 श्रीमद भगवत महापुरुषस्य हो विष्णोराज्ञया परतमानुषाद अद्यस्य प्रणुदिति परार्देश श्वेत वारह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनमंतरे अष्टावशिन्तित्वे कलियुगे कलिपतं चरणे भूलोके जम्बुविद्वे आर्यावर्तांगे द्रुमावर्तेक देश हिमत्राधे मासतं मासे फलप्रमासे पवित्र पुरुषोत्तम श्रावण मासे कष्ट एकादशीं तिथियोमं वः एवं शुक्रवार वासरे सततारिका नक्षत्रे एवं ग्रह गण विशेषण विशिष्टाया शुभ पुण्य तिथियों। अपने गोत्र बोल लीजिए, ओम अस्य गोत्रस्य उत्पन्नस्य स कुटुंबस्यम स परिवारस्य मित्र मंडल बांधवा सहितम अत्रादे ओम चौर्यासि ब्रजधाम परिकोष यात्रा अहम मह आचार्य महोदय सन्निधो अहम करिष्ये। अब देखो यात्रा में जाने के कुछ नियम भी होते हैं कि नहीं, नियम ग्रहण करना होता है ना। अब नियम तो कुछ बहुत मुश्किल भी हैं, लेकिन मैं आपको सरल सरल नियम जो कर सको, सिर्फ श्रवण तो करेंगे कि नहीं,
हाँ के ना तो बोलो, बहुत बढ़िया। तो यात्रा में कुछ नियम ग्रहण करने होते हैं कि 5 दिन अपन इसमें से जो भी अनुकूल आवे उसका पालन करने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला नियम है कि जरा खाली रिपीट कर लेना मेरे संग संग, तो अपन को लगे बराबर है, लगेगा हाँ ग्रहण कर लिया। सबसे पहला नियम अपन ये रखेंगे कि इस यात्रा के दौरान मैं सत्य और मधुर बोलने का प्रयत्न करूंगा, सत्य बोलूंगा, लेकिन वो सत्य कैसा होगा जरा भाव से बोलो तो सही। हाँ देखो, हम सत्य बोलते तो हैं पर 90% अपना सत्य कैसा होता है, कैसा, कड़वा, बहुत बढ़िया। तो अब जब भी सत्य बोलूंगा तो वो सत्य कैसा होगा, मधुर। बोले क्यों, क्योंकि देखो जीवन में ये शब्द भी कैसे हैं, बोले सामग्री की तरह। आप रसोई बना रहे हो और घर वालों के लिए रसोई बनानी है, तो आपको पता होता है कि नहीं कि किसको तीखा कितना अच्छा लगता है, किसको कितना मीठा अच्छा लगता है, पता होता है कि नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये शब्द भी जब अपन उपयोग करते हैं तो वो भी सामग्री की तरह, और सामग्री की तरह यानी अपन को पता होना चाहिए कि कौन को कितना कड़वा पसंद आता है और किसको कितना मीठा पसंद आता है। ऐसे शब्दों का उपयोग अपन करते हैं या नहीं करते हैं। तो 5 दिन तक इतना ध्यान रखना है, जब आप कोई अच्छी वस्तु बनाते हो पहले चख लेते हो और आपको पसंद आता है तो आप किसी और को देते हो। तो 5 दिन तक ध्यान रखना है कि जो शब्द का उपयोग करने वाले हो पहले चख लो, यदि आपको न भावे तो किसी को देना। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात। जो शब्द हमें अपने लिए पसंद न आवे वो शब्दों का उपयोग इस यात्रा के दौरान कम से कम करना। तो पहला नियम अपन कौन सा ले रहे हैं, देखो मैं लंबी बात नहीं कर रहा, कम से कम 5 दिन की बात कर रहा हूं, इसलिए डरना मत। और इसका मतलब ये भी नहीं कि 5 दिन जैसे पूरे हुए और 5 दिन की कसर 1 दिन में निकालो। तो पहला नियम कौन सा अपन ले रहे हैं कि ये यात्रा के दौरान हम सत्य भी बोलेंगे और दूसरा, सत्य जब बोले तो ऐसा बोले कि सामने वाले का उत्साह बढ़े, सामने वाले को आनंद आवे, सामने वाले का और जुस्सा बढ़े। कई बार अपन सत्य कब बोलते हैं, जब किसी को टोकना हो, किसी को अपमानित करना हो, किसी को उत्साह को तोड़ना हो, तभी सत्य बोलते हैं। लेकिन ये सत्य अपना मधुर भी होगा और सत्य भी होगा, ये पहला नियम। क्योंकि जीवन में कहते हैं ना, कौन सी वस्तु आप किस ढंग से सामने वाले को कह रहे हो ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जीवन में। कहते हैं 10% समस्या शब्दों से होती है, लेकिन 90% समस्या शब्दों के बोलने के टोन से होती है। आप एक ही वस्तु किसी को ऐसे कहते हो, उसको लगे कि कोई मेरा अपना मेरा हित चाहता है तो वो तर्क करेगा। और वही शब्दों को कई बार अपन ऐसे कहते हैं, टोन बदलता है तो सामने वाले को इंसल्टिंग फील होता है। तो आप मधुर भी बोलेंगे और सत्य भी बोलेंगे, ये पहला नियम। दूसरा नियम है कि किसी को अपशब्द बोलने नहीं और जीव हिंसा करनी नहीं। यानी कि 5 दिन तक किसी को अपशब्द यानी हमारे द्वारा किसी का दिल दुखे, हमारे वाणी के द्वारा किसी को पीड़ा हो, ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे नहीं, बराबर। और जीव हिंसा यानी क्या, किसी को सिर्फ तीर या भालों से मारना वही हिंसा नहीं है, वो तो घाव रूज जाते हैं, लेकिन शब्दों के द्वारा दिए हुए घाव जन्मों जन्मों तक रूजते नहीं है। तो शब्दों से किसी को पीड़ा नहीं देना, वो भी जीव हिंसा से बचना है। और आगे तीसरा कहा कि दूसरों के अपराधों को हम ये यात्रा के दरमियान क्षमा करेंगे। जरा ये वाक्य बहुत भाव से बोलना आप, कि यात्रा के दौरान, क्यों कई लोग घबरा के बोल नहीं रहे,
यात्रा के दौरान हम औरों के अपराधों को क्षमा कर देंगे। अब अपनी तरफ से बोल जाए एक बार, यात्रा के दौरान हम दूसरों के अपराधों को आगे। बहुत बढ़िया, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि फॉरगिव एवरीवन नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। और कहते हैं कि क्षमा क्यों करना है, जो व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं कर सकता और वही प्रभु के पास जाके कहता है प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करना। प्रभु कहते हैं औरों की छोटी छोटी गलती को क्षमा तू नहीं कर रहा और मेरे पास आके बड़े बड़े अपराधों की माफी मांग रहा है। तो तीसरी वस्तु सबसे महत्व की है कि इस यात्रा के दौरान, देखो यात्रा के अंदर, यात्रा किसको कहते हैं कि जिसमें कई बार अपन ने सोचा हो लेकिन परिस्थितियां अलग होती है कि नहीं। यात्रा में अब सब तैयारी करके गए, अचानक बारिश आ जावे, अचानक क्या हो जाए अपन को पता नहीं है। तो यात्रा के दौरान हमने जैसा सोचा हो ऐसा ही माहौल मिले ये जरूरी नहीं है। कई वस्तु ऐसी होती हैं जो मन के अनुकूल नहीं आती, कई वस्तु ऐसी होती हैं जो मन के प्रतिकूल होती हैं और यदि उनमें उलझे तो अपना लक्ष्य छूट जाओगे। और इसलिए कह दिया यात्रा के दौरान शायद ऐसा हो कि जहां हमको मन को न भावे ऐसी कुछ व्यवस्था हो, मन को अनुकूल न लगे ऐसा कोई कुछ कोई कह दे तो हम उनसे चर्चा करने में भिड़ेंगे नहीं पर मन से उनको पीछे वाले मन से उनको। बहुत बढ़िया, बोले हो ध्यान में रखना। और मैं तो कई बार कहता हूं, अभी कई मैं कह रहा था अमेरिका में कहीं कि अपन अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं ना, अलग अलग प्रकार के नियम लेते हैं, अलग अलग प्रकार के व्रत कर रहे थे। शायद मैं कहीं अमेरिका में न्यूयॉर्क में कह रहा था, मैंने कहा कि और कोई व्रत लो के ना लो लेकिन एक व्रत जीवन में यदि लेना शुरू कर दिया तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। आजकल ट्रेंड चला है ना, अलग अलग डे मनाते हैं लोग। कौन कौन से डे होते हैं सब? वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो नहीं अलग डे होते हैं, फादर डे, मदर डे, फिर फ्रेंडशिप डे, डॉक्टर्स डे, फिर टीचर्स डे, फिर वैलेंटाइंस डे, फिर चिल्ड्रंस डे, फिर रोज डे, चॉकलेट डे, वो भी है चॉकलेट डे। एक महीना तो इसमें निकल जाएगा। तो उन सारे डेओ के अंदर एक डे आपको ऐड करना है यदि जीवन को सरल करना, करोगे? हाँ, चाहे एक वीक में नहीं तो 15 दिन में भी एक दिन ये मनाना, मनाओगे? बोले कौन सा डे? नो कंप्लेन डे, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। कौन सा डे? किसी से, क्योंकि अपन शुरू करते हैं दिन कंप्लेन से, चाय क्यों लेट हो गई, ये क्यों हुआ, अखबार क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, यहां तक घर से निकलते हैं ना तो भी कंप्लेन, ये गाड़ी वाले ने गाड़ी कैसे टर्न ले ली, ऐसे करना चाहिए, ये गाड़ी वाला क्यों फास्ट निकल गया, कितनी पास में से लेके गया। सुबह उठे तब से लेके रात को सोए तब तक क्या चलता रहता है? कोई ना मिले तो अपने ऊपर, मेरा तो भाग्य ही खराब चल रहा है, और कोई ना मिले तो भगवान, भगवान आपने ऐसा क्यों किया। किसी को नहीं छोड़ते अपन, ये कंप्लेन की ऐसी आदत पड़ी है, कोई न मिले तो अपने ऊपर, अपन को भी न शब्द मिले तो भगवान के ऊपर। तो देखो 15 दिन में ये एक दिन मनाओ, कौन सा? न औरों के लिए कंप्लेन, न प्रभु के लिए कंप्लेन, न अपने लिए कंप्लेन, जो जैसा है 3 शब्द बोल लेने के, स्वीकार स्वीकार स्वीकार। कौन से? जैसे लोगों का संग मिला स्वीकार, बोलते रहो, जैसे लोगों का जीवन में संग मिले, जैसी परिस्थिति मिले
जैसी व्यवस्था मिले, जैसा माहौल मिले, जो जगह में अपन हो, जैसी व्यवस्था हो, उसको कोई परेशान कर सकता है? हाँ, जो ये तीन शब्द बोलता रहे ना, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है उसको परेशान कर पावे। परेशान इंसान होता ही तब है क्योंकि स्वीकार नहीं कर पाता, संग को स्वीकार नहीं कर पाता, परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता, जीवन की व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं कर पाता, तभी तो कंप्लेन जागती है। लेकिन जो ये तीन शब्द बोलता हो जावे, जरा एक बार भाव से बोल लेना, सभी की आवाज एक संग आनी चाहिए। बस जहां भी आपको व्यवस्था में कमी दिखे क्या बोलोगे? तीन बार। किसी ने कुछ कह दिया क्या बोलोगे? हाँ, किसी ने हाथ में थोड़ा प्रसाद कम दे दिया तो क्या बोलोगे? आपका नाम शायद अनाउंस होना बाकी रह गया तो क्या बोलोगे? ये तीन चीजें यदि बोलते रहे, लाइफ बहुत सरल हो जाएगी। और दुनिया में कोई आपको परेशान करने का कितना भी प्रयत्न करे, परेशान नहीं कर पाएगा। बोले क्यों? क्योंकि आप हर वस्तु का स्वीकार कर रहे हो। वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, इतना इतना कर रहा हूं तो भी इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जीवन में किसको बार बार प्रॉब्लम हो जाती हो, बात बात में प्रॉब्लम हो जाती हो, उसको लोग परेशान कर पावे। तो जिसको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हर वस्तु स्वीकार करता है, दुनिया में किसी की ताकत है उसको परेशान कर पावे? इसलिए कौन सा दिन अपन बनाएंगे 15 दिन एक बार? नो कंप्लेंट डे। तो किस दिन बनाना चाहोगे आप? अब फंसे, बोले बोल तो गए क्या मनाएंगे? संडे। घर वालों को शांति हो जाएगी तो अच्छा है। मंडे बोले तो ऑफिस वालों को शांति। किस दिन? जरा एक एक दिन बोल लो, कम से कम बता तो चले कि बोले थे हम। कौन सा दिन बनाना चाहोगे आप वीक में? आपका संडे फाइनल है, ताली बजा दी एक बार के लिए। कब? 11 को। और आपका संडे वाले बहुत हैं यहाँ। चलो बहुत बढ़िया। और ये विजय जी 11, बहुत बढ़िया। और कोई जो जो बोले हैं आसपास वाले वॉच करना, फिर संडे को एकादशी को खास फोन करना कैसा चल रहा है। बराबर? स्वीकार स्वीकार कर बस। तो दूसरा अपन ने देखा कि दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे, और जो भी परिस्थिति हो, जो भी व्यवस्था हो, तो तीन शब्द अपने मुख से सदा निकलते रहेंगे। कौन से? हाँ, चौथा कहा कि काम क्रोध मोह मद मत्सर से दूर रहने का प्रयत्न करेंगे। और जो ये स्वीकार 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 करता है, और जो औरों के अपराधों को क्षमा करता है, उसको फिर काम क्रोध मोह से कोई लेवा देवा नहीं। जब कोरी स्लेट हो गया, फिर इस पर जल्दी कोई लिख नहीं सकता। फिर आगे कह दिया पांचवा कि शुद्ध पवित्र आचार और विचारों का पालन अपन करेंगे। ये 5 दिन का नियम अपन ले रहे कम से कम, कि अपने आचार विचार में, अपने खान पान में शुद्धि रहे। क्योंकि शुद्धि अपने अंदर होगी तो मिली हुई वस्तु को अपन ग्रहण कर पाएंगे। तो आचार विचार आहार विहार में ये 5 दिन तक अपन शुद्धि रखेंगे। फिर छठा कहा कि दुख कष्ट कहीं भी पड़े तो धीरज से उसे सहन करेंगे। ये वाक्य बोलो कि यात्रा के दौरान कोई भी कष्ट पड़े, कोई भी पीड़ा हो, उसे धैर्य से धीरज पूर्वक हम सहन करेंगे। खाली 25 लोग बोले सहन करें, इतना बड़ा हॉल पूरा पैक है। जो भी एक बार फिर से एक बार ये कि दुख यात्रा के दौरान जो भी दुख कष्ट पड़े वो धीरज से हम सहन करेंगे। बहुत बढ़िया।
रोज सुबह उठ के व्रज भूमि को पहले दंडवत करेंगे। हाँ, क्योंकि जो भूमि में अपन आए हैं वो भूमि साधारण भूमि नहीं है। अब देखो, आप ब्रजवासी हो तो सुबह उठ के ठाकुर जी को जहां बिराजते हैं पहले बाहर से दंडवत करो, तो आपके ब्रज भूमि के दंडवत हो रहे हैं, बराबर। और शुद्ध स्नान करके यात्रा का प्रारंभ अपन करेंगे। और यात्रा के दौरान कोई भी चमड़े से बनी हुई वस्तु का उपयोग करेंगे, लेदर या ऐसी कोई भी वस्तु है जिसका यूज अपन कर रहे हैं वो यूज अपन इस दौरान करेंगे नहीं, ये बात याद रखें। यात्रा के दौरान जब व्रज यात्रा हो रही हो तो खुले चरणों से व्रज यात्रा करनी चाहिए, खुले चरणों से व्रज यात्रा करेंगे, ये भी नियम होता है। और कहते हैं कि व्रज यात्रा के दौरान कोई भी वृक्ष की डाली, कोई भी पत्ता या फूल भी जो प्रभु की लीला सामग्री है उसे तोड़ेंगे नहीं। और देखो, जब व्रज में जाते हैं तो सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी होती है कि व्रज की प्रत्येक सामग्री, व्रज की प्रत्येक वस्तु भगवत लीला सामग्री है, इसलिए वहां की कोई भी वस्तु बिने पूछा उठा के ले आने का अपना अधिकार नहीं है। सिर्फ श्री यमुना जल अपन लेके आवे वहां तक बात ठीक है, लेकिन बिना आज्ञा के व्रज रज भी लेके आने का अधिकार अपना नहीं है। चाहे कोई कहे कि ना ये ले जाओ, ये गिरा जी के स्वरूप पधरा देते हैं कईयों को कि ये ले जाओ, पर वो अपना बिल्कुल अधिकार नहीं है। वो अपन पूछे बिना लेके आते हैं गिरा जी की शिला के स्वरूप, तो वो अपन उत्तम कार्य नहीं कर रहे, अपन अपराध कर रहे हैं। और श्याम स्वरूप तो तुरंत अनुभव करा दे। आप जाओ, जब जतिपुरा में यात्रा रुकती है, कई लोग जाके बिना पूछे गिरिराज जी के स्वरूप पधरा के ले आते हैं, और ऐसी बारिश होती है कि माइक में अनाउंसमेंट कराना पड़ता है कि कोई भी गिरिराज जी के स्वरूप को पधरा के ले आए हो तो वापस पधरा के आओ। यानी व्रज की कोई भी वस्तु को जो भगवत लीला के लिए है, भगवत सुखार्थ है, उसे पधरा के यहां लाने का अपना अधिकार नहीं है। वो सब भगवत सेवा में जुड़े हुए हैं, भगवत लीला में जुड़े हुए हैं, प्रभु का परिकर है, और प्रभु के परिकर को डिस्टर्ब करने का अपना अधिकार नहीं है। चाहे कोई भी कहे अपन को कि लाओ ये रज ले जाओ, बोले रज लेके आंख में लगा लो, मस्तक में लगा लो, वो सपना इतना काफी है, लेके यहां आने की आवश्यकता नहीं है। ब्रज की जो वस्तु है उसे ब्रज में रहने दो। कहा कि जब यात्रा कर रहे होंगे तो मार्ग में आने वाले जितने भी मंदिर है वहां सन्मुख दंडवत करके वंदन करके जाने का क्रम इस नियम में अपन लेते हैं। सात्विक भोजन अपन करेंगे ताकि यात्रा के दरमियान आलस ना हो, यात्रा के दरमियान थकान ना हो। इसके लिए आगे कहा कि जब हमारे पाल में यात्रा के दौरान कोई भी अतिथि आवे, कोई भी ब्राह्मण आवे, तो यथोचित उसका सत्कार करेंगे। अशुद्ध अवस्था में यात्रा नहीं होती, तो जब यात्रा कर रहे हो और अशुद्ध अवस्था हो तो उतने दिन वहीं ठहर जाना होता है, और जब शुद्ध अवस्था हो फिर वहां से यात्रा आगे प्रारंभ होती है, इसका भी ध्यान यात्रा में रखते हैं। और यात्रा अपन जब करते हैं तो यात्रा में चलते चलते अखंड भगवद नाम लेना होता है, भगवद नाम लेते, ताकि व्यर्थ बातें और व्यर्थ चर्चा न अपन किसी से करें और न कोई अपने से कराने के लिए आवे। कहा कि जब मुकाम आवे तो मुकाम पे रात्रि के समय कल अपन कौन से स्थान में जाने वाले हैं, उस स्थान का महिमा क्या है, उस स्थान का महत्व क्या है, उसकी चर्चा वहां करनी होती है। और नियम पालन से ही यात्रा की सिद्धि होती है। यदि नियम पालन न करके सालों रुक जाओ फिर भी यात्रा का फल नहीं मिलता। और देखो, जब यात्रा में निकलते हैं तो यात्रा के 2-3 सरल नियम में ये भी ध्यान में रखो। बोले क्या कि जब यात्रा करने जाते हैं तो एक वस्तु ध्यान में रखना कि जितना सामान कम उतनी यात्रा सरल। जरा वाक्य बोल जाओ, जरा वाक्य बोल जाओ तो सही। जितना सामान इतनी यात्रा,
लेकिन अपने हाथों में उठाया हुआ सामान तो अपन को दिखता है, लेकिन यहां भरा हुआ सामान दिखता लेकिन होता। बहुत बढ़िया। तो यात्रा के अंदर जाना हो तो पहला नियम ये कि जितनी यात्रा सरल करनी हो तो जितना सामान कम इतनी यात्रा सरल। और दूसरा नियम ये कि देखो, मैंने कहीं सुना था एक बार कि एक यात्री कहीं रुका हुआ था धर्मशाला में, और वहां धर्मशाला ऐसी जगह थी कि जहां यात्री रुकते और सुबह जल्दी निकल जाते, तो वहां जब सुबह 4 बजे तो वहां का द्वारपाल चिल्लाने के लिए आवे कि जिसको दूर जाना हो वो जल्दी जागे। क्या कहा उसने? जिसको दूर जाना हो वो जल्दी जागे, दूर जाना हो जल्दी जागे। तो बाकी यात्री तो जागे के न जागे, लेकिन एक यात्री जो सो रहा था वो जाग गया कि यहां नहीं, मुझे तो बहुत दूर जीवन में जाना है, प्रभु के सन्मुख जाना है, और अभी तक मैं जागा नहीं। तो देखो, एक वस्तु याद रखना, यात्रा चाहे ब्रज की हो कि यात्रा चाहे जीवन की हो, नियम समान लागू पड़ते हैं। यात्रा चाहे ब्रज की हो कि यात्रा चाहे जीवन की हो, नियम समान लागू पड़ते हैं कि जिसको दूर जाना हो उसे जल्दी, बोलो तो सही, जिसको दूर जाना है उसे जल्दी जगना। अपन जगे हैं कि नहीं जगे हैं? सिर्फ आंख खुली होना उसको जगना कहते नहीं है। अपन इस जगत में किस लिए आए हैं उसको जब पहचाने, तब मानो अब जगना प्रारंभ किया है। और यात्रा में क्या होता है, यदि जल्दी जागे नहीं और धूप हो गई तो खुले पांव से चल पाओगे? तब लगेगा जल्दी निकल गए होते तो धूप से परेशान नहीं होना पड़ता। तो वैसे ही सोचते सोचते जीवन की कितनी उम्र बीत गई, और जब जीवन में धूप में चला न जाए तब चलने का प्रयत्न करें तो कैसे वहां पहुंचेंगे। इसलिए जीवन में जो जल्दी अपने कर्तव्य के प्रति सभान हो जाए कि जीवन में मुझे दूर जाना हो तो जीवन के जल्दी अवस्था में मुझे जगना चाहिए, और जल्दी जागूंगा तो मैं अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य की ओर जा पाऊंगा। इसलिए कह दिया कि जीवन में जिसको दूर जाना हो उसे जल्दी जगना चाहिए। और तीसरा बात ये ध्यान में रखें कि जिस रास्ते पे अपन को जाना न हो, जिस रास्ते में अपन को जाना न हो, उस रास्ते की इंक्वायरी करने में टाइम बिगाड़ना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सोचना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिस रास्ते में अपन को जाना नहीं है उसकी इंक्वायरी करने में टाइम बिगाड़ना चाहिए, अपना अधिकतर टाइम उसी रास्ते की इंक्वायरी करने में बिगड़ता। नहीं, वो कुछ करना नहीं है, लेकिन जानने में क्या बुराई ना, ऐसा कुछ वहां कोई जाना नहीं है लेकिन जानने में क्या प्रॉब्लम। तो जीवन में एक चीज याद रखो, जिस रास्ते पे जाना न हो वहां की इंक्वायरी करने में टाइम बिगाड़ना चाहिए नहीं, और अपना अधिकतर टाइम उन्हीं वस्तुओं की इंक्वायरी करने में बिगड़ता है। अपना टाइम अधिकतर वहीं वेस्ट होता है जिस रास्ते पे जाना नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसकी गहनता को समझना। जीवन में जिस पथ पे अपन को जाना नहीं है उस पथ का प्रलोभन भी हमें उनकी ओर खींचता है कि नहीं? जरा देखूं क्या होगा, जरा देखूं वहां क्या लोग कर रहे होंगे, जरा देखूं वहां कैसे होता होगा। अरे भैया क्यों कर रहे हो? बोले इंक्वायरी करने में क्या है। बोले देखो, जिस पथ पे जाना नहीं है उसकी इंक्वायरी करने में भी पड़ना नहीं चाहिए, वो कब खींच के ले जाए अपन को पता भी नहीं चलेगा। किसी ने सुंदर कहा है, कई लोग कहते हैं कि यदि एक बार वो जाके चेक कर लूं, एक बार मैं ये देख लूं तो क्या प्रॉब्लम। लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा कि देखो, ये जीवन कैसा है, ये जीवन काव्य की तरह नहीं है, ये जीवन मैथमेटिक की तरह है। कैसा है जीवन? कैसा है? और मैथमेटिक के अंदर क्या होता है, एक स्टेप गलत हो गया तो उसका टोटल कभी मिलेगा? तो जीवन में अपन को लगे ये एक बार गलत काम कर दो, ये एक बार गलत कर दो, कौन देखने आने वाला है। लेकिन ये जीवन मैथमेटिक की तरह है,
एक स्टेप कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलत हुआ, इसलिए आज अपनी लाइफ के टोटल मिल नहीं रहे हैं। लाइफ के टोटलों को मिलाना है तो देखो कहां स्टेप चूका था, और उस चूके हुए स्टेप को पहचानोगे तब आपके लाइफ के टोटल मिलने शुरू होंगे। और इसलिए यहां विश्राम घाट पे अपन आए हैं और श्री यमुना जी से आज्ञा ले रहे हैं, और यमुना जी से आज्ञा ले रहे हैं, और देखो यमुना जी की आज्ञा के बिना और यमुना जी की कृपा के बिना व्रज में कभी भी प्रवेश मिल नहीं सकता, क्योंकि यमुना जी कृपा। आज ऐसे में कई लोगों को जानता हूं, आखिरी 25 सालों से हर साल व्रज की टिकट लेते हैं, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि एन मौके पर टिकट कैंसिल करानी पड़ती है। और ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कोई प्लानिंग ना हो और व्रज में पहुंच जावे, टिकट कराए किसी ने, पहुंच गए वो, तब लगे कि वहां अपनी इच्छा से जाया नहीं जाता, ब्रज में तो वही जा पावे कि जिसको श्री यमुना जी बुलाती है। और इसलिए आज भी हमारे गुजरात में सौराष्ट्र में जब वैष्णव व्रज यात्रा करके आवे ना, तो यमुना जी के लोटी जी लेके आवे, और गांव के बाहर पूरे गांव के लोग बैलगाड़े लेके उसका स्वागत करने के लिए जाते हैं। बोले क्यों, ये अपनी इच्छा से नहीं गया, श्री यमुना जी का मेहमान बन के गया। तो आप सब भी श्री यमुना जी के मेहमान बने हो, क्योंकि व्रज यात्रा करने के लिए तैयार हुए हो तब के जब श्री यमुना जी ने आपको बुलाया है। और जब जब भी हमारे गुजरात में तो यमुना जी व्रज में जाने का अवसर हो तो हमारे वैष्णव कहते हैं कि ये श्री यमुना जी की पुकार आई है, और हमारे वैष्णव गाते हैं और कहते हैं जय हो नो तीरा ने मारे जाओ सूरज पर देश रे राज कोई रोक हो नहीं। यमुना जी ना अपनी अपनी जगह पे खड़े होके कर सकते हो, ने मारे जाऊं श्री ब्रज पर देश रे राज कोई रोक हो नहीं। जय हो तेरा ने मारे जाओ से ब्रज मारे जाओ से ब्रज पर देश रे आज कोई रोक नहीं। जय हो आव्याशी यमुना जी ना नो तेरा ने मारे जाओ से ये मारे जाओ से ब्रज पर देश रे राज कोई रोक नहीं। जय हो ब्रज भूमि छे टुकड़ी ने काई छेटासे हे काई छेटासे ठकुराणी घाट रे राज कोई रोको नहीं। आव्या श्री यमुना जी ना नौत राने मारे जावू छे हे मारे जावू छे व्रज पर देश रे राज कोई रोको नहीं। सभी की तालियां भाव से जय श्री यमुना। राज कोई रोको नहीं। आव्या श्री यमुना जी ना नौत राने मारे जाऊं छे हे मारे जाऊं छे व्रज पर देश रे राज कोई रोको नहीं। हो नवा बैसी ने अमें
पहुंचाशे हे काई पहुंचाशे ठकुराणी घाट रे राजे कोई रोको नहीं हे आव्याशी जय हो नातरा नि मारे जाऊं छे हे मारे जाऊं छे व्रज परदेश रे राज कोई रोको नहीं झूमते हुए श्री अमने सभी की तालियां भाव से मारे जाऊं छे हे मारे जाऊं छे व्रज परदेश रे राज कोई रोको नहीं हो सभी की तालियां भाव से राम घाट रे राज कोई रोको नहीं हे आव्या श्री यमुना जी ना नौतरा ने मारे जाऊं छे हे मारे जाऊं छे व्रज परदेश रे राज कोई रोको नहीं जय हो सभी की तालियां भाव से श्री यमुना जी ना नौतरा ने मारे जाऊं छे हे मारे जाऊं छे व्रज परदेश रे राज कोई रोको नहीं जय हो श्री यमुना जी ना नौतरा ने मारे जाऊं छे हे मारे जाऊं छे व्रज परदेश रे राज कोई रोको नहीं अमने दे जोशी व्रज मावास राज कोई रोको नहीं आव्या श्री यमुना जी ना नौतरा ने मारे जाऊं छे हे मारे जाऊं छे व्रज परदेश रे राज कोई रोको नहीं आव्या श्री यमुना जी ना नौतरा ने मारे जाऊं से हे मारे जाऊं से व्रज परदेश रे राज कोई रोको नहीं हे आव्या श्री यमुना जी ना नौतरा ने मारे जाऊं छे हे मारे जाऊं छे व्रज परदेश रे राज कोई रोको नहीं राज कोई रोको नहीं राज कोई रोको नहीं राज कोई रोको नहीं
आज कोई रोक नहीं। बोलिए श्याम सुंदर श्री अमरे महारानी जी की जय। श्री अमना जी के तट पे, श्री अमना जी के सानिध्य में विश्राम घाट पे अपन ने यात्रा का नियम ग्रहण किया और व्रज यात्रा में निकले उनसे पहले क्रम होता है मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा करने का। व्रज यात्रा प्रारंभ करें उससे पहले ये क्रम है कि मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा पूरी हो, वहां के सभी मंदिरों का दर्शन हो, फिर आगे यात्रा के लिए प्रवेश किया जाता है। और जहां अपन खड़े हैं नियम लेने के लिए, वो विश्राम घाट क्या है? तो कहते हैं कि श्री यमुना जी जब ब्रज में पधारे और स्थान पे आपने विश्राम किया, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा, ये भी कहते हैं। और आगे ये भी कहा जाता है कि स्वामिनी जी और यमुना जी दोनों की निकुंज इसी स्थान पे है, इसलिए इसको कहते हैं विश्राम घाट। कहते हैं कि जब भगवान ने कंस को मारा और कंस को मार के भगवान और दाऊ जी दोनों ने इस स्थान पे विश्राम किया, इसलिए नाम है विश्राम घाट। आगे कहते हैं कि देखो जब भगवान द्वारिका पधार रहे थे तो द्वारिका जाने के समय भी प्रभु ने यहां विश्राम किया और अपनी मुगुट और मुरली दोनों स्थान पे पधराए, इसलिए स्थान को कहते हैं विश्राम घाट। और कहते हैं ये विश्राम घाट ही वो है जहां ठाकुर जी ने मान लीला करी। अपन सब जानते हैं ना कि जब स्वामी जी ने प्रभु से आके ये कहा कि प्रभु रोज तो मैं मान करती हूं और आप मुझे आके मना लेते हो, पर अब मेरी ऐसी इच्छा है कि प्रभु आप आज रूठो और मैं आपको मनाऊं। प्रभु ने कहा ये रिस्क मत लो, यदि मैं रूठ गया तो फिर किसी से मानने वाला नहीं हूं। स्वामी जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे पता है आपको कैसे मनाना, आपको मेरा नृत्य पसंद आता है, आपको मेरा गीत पसंद आता है, आप रूठो को मैं आपको चुटकियों में मना लूंगी। प्रभु ने कहा फिर भी समझा रहा हूं ये रिस्क मत लो, लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं, अब तो मेरी इच्छा है कि प्रभु आप रूठो और मैं आपको मनाऊं। और जब कहते हैं प्रभु रूट के विराजे, स्वामी जी को लगा कि प्रभु को ऐसे मना लूंगी, आके प्रभु के आगे सुंदर नृत्य किया, नृत्य करते जाएं और सखियों से पूछते जाएं प्रभु देख रहे हैं कि नहीं। सखी ने कहा देख तो नहीं रहे। बोले सुंदर गीत गाया, कहा प्रभु सुन रहे हैं कि नहीं, बोले प्रभु सुन तो नहीं रहे। और इतना इतना प्रयत्न किया, प्रभु न देख रहे हैं न सुन रहे हैं। और अब स्वामी जी को दुख होने लगा, अरे ये गलती मैंने क्या कर दी, जो मेरे प्रभु माने नहीं, मेरे प्रभु का मान दूर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी। विचार करने लगे, जब कोई उपाय न दिखा, कोई उपाय न दिखा और स्वामी जी दुखी होके बैठे हैं, तब सखियों ने कहा कि देखो ऐसे करें अपन यमुना जी से विनती करें। सभी सखियां भागती भागती गई और यमुना जी से कहा देखो आज ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों ने मान लीला करी है और मान करके जितनी पीड़ा स्वामी जी को है इतनी ही पीड़ा हमारे प्रभु को भी है, तो दोनों की पीड़ा दूर कैसे हो। जब ये विनती करी तो कहते हैं यमुना जी सब कुछ सहन कर सकें पर प्रभु की लेश भी पीड़ा की बात आवे यमुना जी से सहन न हो। और यमुना जी विचार करें आज प्रभु को मैं कैसे मनाऊं। और जब यमुना जी ने देखा तो क्या देखा, आज ठाकुर जी ने मुगुट काचनी के श्रृंगार धरे हैं और प्रभु को मनाने के लिए वैसे ही मुगुट काचनी का श्रृंगार यमुना जी ने धरा। और जानती है यमुना जी कि प्रभु को कमल की माला बड़ी प्रिय है और यमुना जी ने अपने हाथों से सुंदर कमल की माला सिद्ध करी और हाथों में कमल की माला पकड़ के चलते चलते जा रहे हैं कि चुपचाप ठाकुर जी के कंठ में धरा दूंगी तो प्रभु का मान दूर हो जाएगा। ये विचार करके चलते चलते आ रहे हैं, ठाकुर जी ने मुड़ के देखा मेरे जैसा श्याम स्वरूप और मेरे जैसे वस्त्र श्रृंगार धर के कौन आ रहा है, भले कोई भी हो मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और वहीं चलते चलते यमुना जी आए और सोचे कि अभी प्रभु के कंठ में ये कमल की माला धरा दूं। ये विचार करके जैसे ही आपने अपना हस्त ऊपर किया, ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखा और अपने जैसे वस्त्र श्रृंगार में जहां यमुना जी को देखा प्रभु को हंसी आ गई और प्रभु का मान दूर हो गया और जो कमल की माला यमुना जी लाए उनके हाथ में रह गई। लेकिन जब दोनों का मान दूर हुआ तो ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों ने आके यमुना जी से विनती करी कि हे यमुना जी
आज आपके इस स्वरूप ने हमारे मान को दूर किया है, तो हम आपको विनती करते हैं कि जब भी आप हमारे निकुंज में पधारो तो इसी मुकुट काचनी के श्रृंगार धर के पधारो। और तब से नित्य यमुना जी जब भी ठाकुर जी के निकुंज में पधारे, यही मुकुट काचनी के श्रृंगार धारण करके पधारे। और ये वही लीला यहाँ विश्राम घाट, यही वो स्थान है कि जहाँ ये लीला हुई थी। कहते हैं यहाँ श्री महाप्रभु जी के बैठक जी भी हैं, और कहते हैं ये वो स्थान है कि जहाँ सिकंदर लोधी ने एक यंत्र लगवा लिया था। और वो यंत्र ऐसा था कि जो भी वैष्णवों के ब्राह्मण वहां आते तो उनकी शिखा कट जाती और दाढ़ी लग जाती, और सारे वैष्णव ब्राह्मण सब परेशान होने लगे कि ये दिक्कत क्या हो गई है कि जैसे ही घाट पे जावे और चोटी कट जावे और दाढ़ी आ जावे। तब महाप्रभु जी से जाके सबने विनती करी, तो महाप्रभु जी ने एक यंत्र बना के दिया और कहा ऐसे करो, ये विश्राम घाट पे लगा दो। और जैसे श्री महाप्रभु जी ने भिजवाया हुआ यंत्र लगाया तो हुआ क्या, जो भी दाढ़ी वाला आवे दाढ़ी कट जावे और शिखा लग जावे। और ऐसी वस्तु होने लगी, तब सभी ने क्षमा मांगी, क्षमा मांग के फिर समाधान वहां पे हुआ। महाप्रभु जी ने वो वस्तु वहां से दूर करी। और कहते हैं जब मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा अपन कर रहे हैं, तब कहते हैं वहां केशव देव जी का मंदिर भी आता है। केशव देव जी के मंदिर में भी अपन ने वहां दर्शन करे। वहां से आगे गए सतघरा भी आया। ये सतघरा वही है कि जहां श्री गोसाई जी ने ये घर बनाया था कि जो देखने के लिए स्वयं श्रीनाथ जी जतिपुरा से सतघरा में पधारे, और यहाँ आपने फूल फाग भी क्या होरी खेल भी खेली और यहीं आप विराजे थे। और यहाँ कहते हैं दुर्वासा मुनि का आश्रम भी है। इनका आश्रम है दुर्वासा मुनि का। और एक प्रसंग ऐसा भी अन्य कथाओं में अन्य लोक पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि जहाँ दुर्वासा मुनि का यहाँ आश्रम है मथुरा में, तो एक बार बच की गोपियों के मन में विचार आया कि अभी सावन महीना है तो ऐसे करें दुर्वासा मुनि को सुंदर सामग्री करके अरुगावें। और जैसे ही इच्छा हुई कि कैसे जावें वहां पे, और देखा तो उस समय बारिश के कारण यमुना जी में ऐसी बाढ़ आई और दुर्वासा मुनि का आश्रम सामने, तो वहां जावें कैसे। प्रभु से पूछने आए, प्रभु इतनी बाढ़ है यमुना जी में तो दुर्वासा मुनि को हम सामग्री अरुगाना चाहते हैं तो वहां सामने जावें कैसे। भगवान ने कहा एक उपाय। बोले क्या, यमुना जी के पास जाके इतना कहो जो हमारे प्रभु नित्य ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। गोपियों का आश्चर्य हुआ, भगवान नित्य ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दो। और कहते हैं कि जहां अपने विनती करी यमुना जी ने मार्ग दे दिया। सामने पधारे और दुर्वासा मुनि के पास गोपियों ने अपनी अपनी सामग्री पधराई, और जितनी भी गोपियों की सामग्री थी दुर्वासा मुनि पूरी अरोग गए। अब कहें सामने जाना है तो जावें कैसे। दुर्वासा मुनि ने कहा कि जाके यमुना जी से इतना कहना कि दुर्वासा मुनि नित्य उपवासी हो तो मार्ग दो। गोपियां चौंक गई, अभी इतनी सामग्री बना के लाए थे, सब कुछ अरोग्य, कुछ नहीं छोड़ा, और कह रहे हैं कि यदि नित्य उपवासी हो तो मार्ग दो। और जैसे ही विनती करी और यमुना जी ने मार्ग दे दिया और बताया कि प्रभु और संत दोनों का स्वरूप क्या है, चाहे लोक में दिखें लेकिन फिर भी लोक से वो अलिप्त हैं, ये दर्शन वहां पे करवाया। और ये मथुरा मंडल की जो नित्य उसकी परिक्रमा है वो सब अपन ने यहाँ पे ग्रहण करी। और यहां से आज विश्राम अपना मथुरा के अंदर रहेगा, कहाँ रहेगा, और कल से अपनी वज परिक्रमा आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी अपना समय भी होने वाला है थोड़ी देर में, और कुछ प्रसंग हो नहीं पाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि जब मथुरा मंडल की परिक्रमा अपन कर रहे हैं तो अष्टाक्षर की ध्वनि अपन करेंगे जो अपन को कल पूरे यात्रा के अंदर करनी है। और ये मानसी में अपन आज मथुरा मंडल की अंतर्ग्रही परिक्रमा करेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय
श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम। मथुरा के एक एक मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, और केशव राय जी का जो मंदिर, केशव देव जी का मंदिर जो है, उसका प्रसंग आता है ना, जब राजा मानसिंह आए और विचार किया कि मथुरा के जो मंदिर है मुझे दर्शन करने जाना है, और कहते हैं कि जब स्वयं राजा मानसिंह आने वाले थे, गर्मियों का दिन था और राजा आ रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि वहाँ प्रभु को भारी भारी जरी के वस्त्र धरा दिए, इतनी लाइटें कर दी, इतना वो कर दिया, इतना जाहो जलाली कर दिया। और जब राजा मानसिंह आए, उनको खुद को इतनी गर्मी लग रही थी, तो उनने कहा कि मुझे इतनी गर्मी लग रही तो प्रभु को कितनी गर्मी लग रही होगी, और देखो मुझे देख आने के लिए आज भारी भारी जरी के वस्त्र धरा दिए हैं, भारी भारी श्रृंगार धराए हैं, तो प्रभु को कितना श्रम पड़ रहा होगा। मथुरा के जितने मंदिर में भी गए पर उन्होंने यही वस्तु देखी, तब मानसिंह को लगा कि मुझे वो आनंद नहीं आ रहा, ऐसी कोई जगह है कि जहां प्रभु प्रकट विराज रहे हो। तब किसी ने कहा कि जतिपुरा में श्री गिरिराज के ऊपर प्रभु प्रकटे हैं, आप वहां दर्शन करने जाओ। और जब वहां दर्शन करने गए, उष्णकाल के दिन थे, जैसे ही दर्शन खुले, प्रभु ने सुंदर कलियों के श्रृंगार धरे थे, सुंदर जल के फुहारे हो रहे थे, जल का छिड़काव हुआ था, और जब ये दर्शन करे, कुम्भनदास जी कीर्तन कर रहे थे, और इतना संतोष हुआ राजा मानसिंह को के लगा कि और सब जगह घूम के आया, पर यहाँ लग रहा है कि यहाँ तो प्रभु साक्षात विराज रहे हैं, जहाँ प्रभु के सुख का विचार हो रहा है, ये वो स्थान है। और कहते हैं कि जब ये सतघरा है, सतघरा भी क्या है कि जब रानी दुर्गावती ने श्री गोसाई जी का ये सुंदर भवन यहाँ सिद्ध कराया, और एक बार गोसाई जी कहीं परदेश में पधारे थे, और गिरधर जी आपके जेष्ठ लाल जी जब श्रीनाथ जी के श्रृंगार कर रहे थे, और श्रीनाथ जी ने कहा, गिरधर मैं कछु कहूँ? बोले बताओ कृपानाथ, क्या आज्ञा है? कहा मैंने सुना है कि तुमने मथुरा में बहुत बढ़िया घर बनाया है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे भी तुम्हारा घर देखने आना है। अब स्वयं श्रीनाथ जी ने आज्ञा कर दी, गोसाई जी तो बाहर पधारे थे, आज्ञा कैसे लेवे? और जहां श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, एक बार ये चिंता भी थी कि सारी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे मथुरा पधराया जाएगा, यवनों का उपद्रव भी है, लेकिन एक आनंद भी था कि श्रीनाथ जी ने अपना घर मान के उस घर में आने की आज्ञा करी है, तो इतना आनंद था। आपने आज्ञा दे के जल्दी जल्दी रथ सिद्ध करवाया, सामग्रिया सिद्ध होने लगी, किसी को दौड़ाया वहां, बहुजी बेटी जी को सूचना दी कि स्वयं श्रीनाथ जी अपने घर पधार रहे हैं। और कहते हैं कि जब रथ सिद्ध हो गया और श्रीनाथ जी को पधराने की बारी आई, जितने भी मुखिया भितरिया जी सब लोग आए, पर श्रीनाथ जी कोई से उठे ना, इतना वजन बढ़ गया कि कोई उठा ही नहीं पाए। और जब सब प्रयत्न कर रहे हैं, श्रीनाथ जी उठ नहीं रहे, तब गिरधर जी को लगा ये तो मेरे लालन है और मैं किसी को क्यों कहूं, और वहीं गिरधर जी आगे आए और पीछे मुड़ के खड़े हो गए, तो जैसे किसी बड़े के कंधे पे लटक के उसका बालक लटक जाए, ऐसे श्रीनाथ जी बाबा गिरधर जी के कंधे पे लटक गए, और गिरधर जी श्रीनाथ जी को कंधे पे लेके दौड़ते दौड़ते गिरा जी से नीचे उतरे, और आपने रथ के ऊपर बधराया और स्वयं सारथी गिरधर जी बने, और गिरधर जी स्वयं वो रथ को लेके मथुरा में पधारे। और कहते हैं जब मथुरा में पधारे, वो दिन मथुरा पधारे, और जब आपको पधराया, कहते हैं जब पधार रहे थे तब यवनों का उपद्रव था, तो कहें कैसे पधरा में, तो सदघरा के पीछे की दीवार तोड़ के प्रभु को पधराया गया। और जब पाठ पधराया तो वो दिन कौन सा था? महावसातम, श्रीनाथ जी का पाठोत्सव आता है महावसातम, वो दिन आपको पधरा है, खरमंडा की सामग्री अरोगाई। और कहते हैं कि जब थोड़े दिन यहाँ विराजे, और फिर श्रीनाथ जी, अब देखो पहले तो मंदिर में थे यानी ऑफिस में थे, लेकिन अब घर में आ गए, अब घर में आ गए तो अलग अलग इच्छाएं जगे, तो श्रीनाथ जी ने गिरधर जी से कहा, गिरधर एक इच्छा मेरे मन में और भई है। बोले कौन सी? बोले मैंने सुना है कि मथुरा के अंदर अलग अलग खेल तमाशे होते हैं, सुंदर सुंदर नृत्य होते हैं, तो मुझे वो सारे खेल और तमाशे देखने जाना है। गिरधर जी ने कहा, कृपानाथ यह यवनों का उपद्रव है, आपको कैसे ले जाऊं? बोले मैं कुछ नहीं जानू, मुझे तो सारे खेल तमाशे यहाँ के कलाकारों को सुनना है।
तब गिरधर जी ने व्यवस्था करी, रोज प्रभु आप मत पधारो, सभी कलाकारों को यहाँ आपके सामने बुलाएंगे और आपके सामने वो अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। रोज सुंदर सुंदर खेल तमाशे वहां होते। जब खेल के दिन आए तब प्रभु सभी के संग होरी खेल भी खेले, और कहते हैं होरी खेल खेल के तब गिरधर जी ने कहते हैं अपने पास जो भी कुछ था वो सर्व समर्पण श्रीनाथ जी के चरणों में किया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, जो भी कुछ था वो सब कुछ श्रीनाथ जी के चरणों में धर के सिर्फ पहरे हुए कपड़े पहन के आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वहाँ एक छोटे से बेटी जी थे, उनके कान में नाक में एक नथ रह गई थी। श्रीनाथ जी ने कहा जब समर्पण कर रहे हो तो ये कैसे रह जा, ये भी दे दो, और वो भी आपने धारण कर ली। और जब ऐसा अपूर्व त्याग देखा तब एक वैष्णव ने आके पुनः वो वस्तु आपको अंगीकार इतनी ही करवाई। और कहते हैं कि जब नरसिंह जयंती आने वाली थी और उस समय चरुदास जी गा रहे गोवर्धनवासी सांवरे लाल तुम भी न रहो न जाए, और वो सुन के श्रीनाथ जी इतने व्याकुल हो गए कि मुझे अब वापस जाना है, मुझे अब रहा नहीं जाता। और तब गिरधर जी आपको लेके नरसिंह जयंती के दिन आपको वापस वहां पधराए। और जब श्री गोसाई जी वापस पधारे, देखा शयन भोग और राजभोग एक संग आ रहे, कहा कि आज शयन भोग राजभोग एक संग कैसे? और तब गिरधर जी ने कहा कैसे श्रीनाथ जी बाबा कृपा करके अपने वहां पधारे, इतने दिन विराजे। और तब श्रीनाथ जी की वहां कृपा देख के श्री गोसाई जी की आंखों में अश्रु आ गए, आके श्रीनाथ जी के चरणों को पकड़ के मस्तक चरणों में रखा और कहा कृपानाथ कैसी कृपा कि आपने इस परिवार को अपना परिवार जाना और इस घर को अपना घर जान के आप सामने चल के पधारे, इससे बड़ी कृपा क्या हो। और यही वो सतघरा है कि जहाँ सातों निधि के संग हमारे श्रीनाथ जी बाबा विराजे थे, यहाँ श्रीनाथ जी बाबा ने होरी खेल किया था, वही यहाँ पे अपन दर्शन करें। और दर्शन करके यहाँ बज के अंदर राजा धीराज द्वारिकाधीश मदन मोहन जी के सारे दर्शन मानसी में अपन कर रहे हैं और सभी स्वरूपों को मानसी में अपन यहाँ वंदन कर रहे हैं। वंदन करके अपने आज के सत्र को यहाँ पे अपन विराम देंगे और फिर यहाँ आरती का क्रम इत्यादि रहेगा, कुछ सूचनाएं दी जाएंगी और बाद में वहाँ नाथद्वारा में, बारस्थान को नाम नाथद्वारा दिया है, वहाँ आज चुंदरी मनोरथ के दर्शन खुलेंगे, वो लाभ लेंगे। और कल से अपनी यात्रा में यानी व्रज के अंदर अपना प्रवेश होगा और पूरे यात्रा के एक एक स्थानों में होती हुई अपनी यात्रा जाएगी। तो आज निश्चित मानना आप सभी ने आज नियम ग्रहण कर लिया है, कौन कौन से नियम लिए हैं, कौन कौन से दिन बनाने के निश्चित करे हैं वो आप सबको जानते हैं राव। तो आज की यात्रा यहाँ विराम रह रही, अंतर्ग्रही परिक्रमा हो गई, आज मथुरा में रहना है, अष्टाक्षर मंत्र की तीन माला घर जाके बाद में आप कर लेना बराबर। ये आपका आज का ग्रंथक्रम है और आज अब मनोदी परिवार के द्वारा यहाँ आरती होगी, तो आगे अब सूचनाएं दी जाएंगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर एक बार आचार्य महोदृषि ने जो मंत्र हमको जीवन में उतारने लगे हैं यहाँ से एक बार याद करेंगे, कौन सा मंत्र है अभी भूल गए हाँ हिंदी में ओम सिकाराय नमः, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स है उसके लिए मैंने ट्रांसलेट कर दिया, इसको बोलते हैं ओम इग्नोराय नमः। कल से जो यात्रा है उसमें जो देरी से आएंगे उनको गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी, तो बराबर 3 बजे यात्रा शुरू हो जाएगी। सबको निवेदन है कृपया समय पे पधारे और ये ब्रजकोश की यात्रा का भगवान की लीला का हम दर्शन करें। आए हम विनती करते हैं श्री सत्यनारायण भूतरा जी एवं श्रीमती श्रीलता बोत्रा जी कृपया यहाँ पधारे आचार्य महोदय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए।
परेश भाई इसके बाद निवेदन करूंगा आरती के मनोरथी श्रीमती श्री किशोरी लाल जी बिसानी, श्रीमती एन सी मनोज भाई शाह, श्रीमती एन सी षणमुख भाई शाह, श्री अशोक भाई मुंद्रा, श्रेया जी, विनीत जी, श्रीमान एंड श्रीमती सत्यनारायण जी पुत्रा, श्रीमान एंड श्रीमती मोहनलाल जी मुत्रा, श्रीमान श्रीमती मनोज भाई जयचंद भाई नांदोला। सब आरती के मनोरथी कृपया तैयार रहे। आज आनंद की बात यह भी है कि जिनका सहयोग जब श्रीनाथ सत्संग ट्रस्ट ने यह मनोरथ करने का संकल्प किया तब से जिनका इतना सहयोग मिला मानो हम लोग निश्चिंत हो गए। सारी जवाबदारी जिन्होंने संभाल ली, ऐसे हमारे अशोक जी का कल ही जन्मदिन गया है तो एक बार तालियों से जोरदार उनका स्वागत करेंगे और यही कामना करेंगे कि प्रभु खूब सुंदर स्वास्थ्य उनको दें। ऐसे ही सदा खूब दौड़ दौड़ के हरि गुरु वैष्णव की टहल करते रहें और इतना सुंदर स्थान ऐसे ही उसका विकास करते रहें। पहुंची रत्न जड़ी
माँ जय जय श्री यमुना जाजरे ने जमके माँ बिछिया ने टमके माँ बिछिया ने टमके ने पुरे ने ना दे माँ ने पुरे ने ना दे आभरण माओ पोछो आभरण माओ पोछो दर्पण मुख जोता माँ जय जय श्री यमुना तटे अंतर रूड़ा माँ शोभित जड़ भरिया माँ शोभित जड़ भरिया मन वांछित मुरलीधर मन वांछित मुरलीधर सुंदर वर वरिया माँ जय जय श्री यमुना लाल कमल लपट्या माँ जोवानी ज्ञाता माँ जोवानी ज्ञाता कहे माधव परिक्रमा कहे माधव परिक्रमा व्रजनी करवानी ज्ञाता माँ जय जय श्री यमुना जय जय श्री यमुना माँ जय जय श्री यमुना ज्योता जन्म सुधारो ज्योता जन्म सुधारो धन्य धन्य श्री यमुना माँ जय जय 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 श्री यमुना श्री यमुना श्री यमुना श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु हुं प्रदक्षिणां पदे पदे श्रीभागवत भगवान् की जय मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासनहंते नाकं हेमानं स्वतन्त्रतपूर्वेशाद्याशन्ति देवः नाना सुगंधिनी पुष्पाणि ऋतुकलोद भवानी च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरं। कुछ विशेष सूचना के लिए परेश भाई से विनंती करते हैं, कृपया सूचना। श्री वल्लभादीश की जय। पधारे हुए सभी महानुभवी वैष्णवों को मेरा भगवत स्मरण।